Why don't you share your experiences and how has life been? And then we can come down to some questions later on. यस सर, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ऑलवेज ऑनर कि अगर आप जब भी हम मैंने शुरू किया था अभी थोड़े टाइम पहले, और कोई शेयर करने आता था तो बड़ा अच्छा लगता था, देख के बड़ी मोटिवेशन मिलती थी। आई एम वेरी हैप्पी कि हमने अभी दिसंबर में कंप्लीट किया है। एंड आपकी स्क्रीन हिल रही है बार 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 बार। इट इज थोड़ा मेरे ख्याल से ऊपर नीचे हो रही है। इफ यू कैन स्टेबलाइज योर लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्क्रीन। मिनट सर, एक मिनट में देखता हूँ, एक मिनट देखता हूँ। हाँ, पता नहीं क्यों मिल रही है, मेरे को लगता है ऑफिस की वजह से वाइब्रेशन हो रही है। एक मिनट, लेट मी चेंज द कैमरा एंड सी। अभी बेटर है क्या सर? मच बेटर। ओके, एनीवेज मैंने वो बाहर वाला कैमरा बंद कर दिया है। तो बड़ा अच्छा लगता था सर, सब सब के साथ बात करके और मिलके। एंड एक मिनट, ये वाला कैमरा साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। राइट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ऊपर से ना बट एक यस शाइन कर रही है सचिन। अगर वो लाइट बंद कर दें आप, तो वो लाइट आपके शक्ल के ऊपर से आ रही है, एक ऊपर मिनट, से एक। हाँ, नाउ इज इट ओके? ठीक मच बेटर, थैंक यू। है, ठीक है सर। ओके, तो सर मेरा मैं हमारा दिसंबर में अभी खत्म हुआ था कोर्स, आपको मालूम ही है। एंड लास्ट कोविड इसी ऑलमोस्ट इसी टाइम ही था, मार्च हमने शुरू किया था अपना कोर्स आपके साथ। एंड इट्स बीन अ ऑलमोस्ट अ 1 ईयर जर्नी। पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग करते क्या हैं। वी आर इनटू हैवी ट्रेडिंग ऑफ इक्विपमेंट मशीन्स, लाइक जितने भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीन्स होती हैं जो रोड बनाने में, डैम्स बनाने में काम आती हैं, उनकी डीलिंग करते हैं, और कुछ टावर क्रेन्स की डीलिंग करते हैं। वी आर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर सम ऑफ द ब्रांड्स लाइक टाटा हिटैची, बोमैग, एलजी फॉर नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। एंड वी आर बेस्ड आउट ऑफ फरीदाबाद, और हेड ऑफिस इज एट फरीदाबाद। द प्रॉब्लम्स जैसे सबको होती हैं वैसे, बिजनेस, एक सेकेंड, आपका बिजनेस एक तो डिस्ट्रीब्यूशन का है और रेंटल्स का है। और रेंटल का है और इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का है। हाँ सर, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, सर्विस, सपोर्ट, वर्कशॉप्स, ट्रेडिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, हेवी इक्विपमेंट्स, एंड रेंटल्स ऑफ दीज काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स ऑन पैन इंडिया बेसिस। रेंटल पैन इंडिया है, ट्रेडिंग नॉर्थ इंडिया में। जैसे तो ये हैवी ड्यूटी, ये क्या मशीन, किस किस्म की मशीनें होती हैं ये? सर जेसीबी आपने देखी होगी, जेसीबी थोड़ी छोटी मशीन है, वो टायर पे चलती है। तो उससे बड़ी मशीन जो होती हैं वो ट्रैक पे चलती हैं, जैसे टैंक के ट्रैक होते हैं उन पे चलती है। रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, डैम्स में यूज होती है, पावर प्रोजेक्ट्स में यूज होती है, उन सब चीजों में यूज होती है। और जितने भी हाई राइज टावर बनते हैं तो उनके साथ में एक येलो कलर की क्रेन खड़ी होती है, बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, मेट्रोज में तो काफी जगहों पे होती है, उस टावर को बनाने के लिए। जनरली 10 10 मंजिला से ज्यादा जितने भी टावर बनते हैं उनमें लगती लगती है, वेरी तो नाइस। उसमें डील करते हैं और आपका कहाँ कहाँ ऑपरेशन है? सर। हमारा नॉर्थ इंडिया में ऑपरेशंस हैं, हरियाणा में है, दिल्ली में है, यूपी में है, उत्तराखंड में है, ये मेजर ट्रेडिंग वाले एरियाज हैं। और रेंटल्स तो पैन इंडिया है। वेरी नाइस जी, सॉरी आई इंटरप्टेड यू, प्लीज स्टार्ट। तो जो शुरुआत करना का था कि आपके साथ शुरू क्यों किया और मिला क्या है, मेरे ख्याल से यही सब लोगों ने शेयर किया था जब हमारे यहाँ पे आए थे शेयरिंग के लिए, और यही मेरे से भी एक्सपेक्टेशन होंगी। जब ज्वाइन किया था उससे पहले भी वी वर डूइंग फाइन, ऐसा नहीं है कि वी वर नॉट डूइंग फाइन। वी आर टू पार्टनर्स, माई सेल्फ एंड विशाल। विशाल इज नॉट हियर टुडे, ही इज सफरिंग फ्रॉम कोविड। और हम लोग खूब मेहनत करते थे जैसे सब लोग करते हैं। मेरे पूरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया है। आई एम द फर्स्ट वन हु हैज गॉटन इन टू बिजनेस सम 14 ईयर्स बैक एंड आफ्टर माई एजुकेशन। और हम दोनों दोस्त दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो हमने मिल के बोला कि करते हैं बिजनेस। बट आई वॉज वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन इन सेल्स, तो मेरे को लगा सेल्स में तो मैं धुरंधर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बेच दूंगा सब कुछ। पर जब बिजनेस में आए तो समझ में आया कि नहीं, इतना आसान नहीं है, बड़ी सारी और भी चीजें हैं। सेल्स टैक्स के लिए लाइन में खड़े रहते थे। सो लॉट ऑफ लर्निंग हैपेंड ड्यूरिंग द कोर्स एंड वी ग्रू टू अ सर्टेन लेवल। द इशू वॉज के बहुत बिजी रहते थे,
मैं बहुत बिजी रहता था। जब बिजनेस शुरू किया था तो एक एक सपना देखा था कि 40 साल की उम्र में रिटायर कर लेंगे, राइट, मतलब कि काम के लिए काम नहीं करेंगे, मजे के लिए करेंगे, और मैं 40 साल का अभी हुआ हूँ। सो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, दिख भी नहीं रहा था कुछ ऐसा हो रहा है कि रिटायर होने के कोई आस पास भी है। इट वॉज लाइक कंप्लीट डेज वर पैक्ड, वी वर वर्किंग हार्ड, ही वॉज वर्किंग हार्ड, आई वॉज वर्किंग हार्ड, एंड पूरे दिन फोन फोन बजता था, घर पे भी रहता था तो भी बजता था। तो दैट वॉज द कंडीशन, एंड आफ्टर वर्किंग ऑल दीज आवर्स ऑल्सो द प्रॉब्लम दैट वॉज कमिंग इज के जिस दिन सैलरी का दिन आता था ना, उस दिन एक्चुअली में ये बात करनी पड़ती थी अकाउंट से कि यार सैलरी है ना पूरी, क्योंकि सैलरी लेट नहीं होनी चाहिए, राइट, और अरेंज करनी पड़ती थी। कई बार माल उठाने में पैसे भी कम हो जाते थे कि इशू, अगर बिजनेस बढ़ाना है तो लोग बढ़ाने हैं और फंड्स बढ़ाने हैं, दो चीजें आती थी, लोग बढ़ाने हैं और फंड्स बढ़ाने। I didn't get that. Could you try again? हमारे पास लिमिटेड है तो जितने बढ़ा सकते हैं उतने बढ़ाएंगे, बट सॉरी आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट दैट। अराउंड मिड ऑफ फरवरी या फिर एंड ऑफ जनवरी, आई डोंट रिमेम्बर राइट, कि मैं और विशाल बैठे हुए थे और हम बात कर रहे थे कि यार करना क्या लाइफ में, ऐसे ही काम करते रहना है, क्या करना है, ठीक है हमारे 8 ऑफिसेज हो गए हैं और लोग भी काम कर रहे हैं, सब कुछ है, बट हमारे क्या है, हम तो बस वीकेंड होता है, वीकेंड पे पार्टी करते हैं, साल में एक दो बार घूमने चले जाते हैं तो उसी में खुश हैं, तो ऐसी ही लाइफ रखनी है क्या? सो ही सेड कि नहीं यार, लाइफ तो डिफरेंट चाहिए, कैसी चाहिए लाइफ? ऐसी चाहिए कि एक घर पहाड़ों में होना चाहिए, एक घर बीच पे होना चाहिए, एंड जब यहाँ चाहें वहाँ पे रहें, जब वहाँ चाहें वहाँ पे रहें। आई थिंक दैट इज व्हाट इट वाज, एंड जो डिस्कशन से निकल के आया कि ये इस बिजनेस में तो पॉसिबल नहीं है, जिस बिजनेस धंधे में हम हैं, इस धंधे में तो जितना बढ़ाएंगे उतना ही और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो देन वी स्टार्टेड इन दैट डिस्कशन, ओनली इट केम आउट के इस बिजनेस में कैसे कर सकते हैं। इस बिजनेस में करने के लिए एक चीज़ आई कि अगर हम इस बिजनेस को किसी तरह से ऐसा कर पाएं कि हम इसको जितना बढ़ाएं उतना हमारी इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए, तो मे बी नंबर वन, हम इस बिजनेस को स्केल करके बेच सकते हैं। नंबर टू, हम इस बिजनेस को अपने बिना ग्रो कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम इसी बिजनेस में ऐसी वाली लाइफ जी सकते हैं। सो जब ये डिस्कशन हुई तो उसने बोला होगा कैसे ये, मैं तो फिर भी कभी बार बुक्स और रीडिंग या कुछ कोर्सेज कर लेता था। विशाल हैज नॉट डन एनी कोर्स सिंस लास्ट आई थिंक मोर देन 12 इयर्स, जब से उसने कॉलेज छोड़ा होगा, मोर देन 14 इयर्स। बट उससे मैं राहुल सर के पास 2013 में गया था और इनका एक इंट्रोडक्शन अटेंड किया था। राहुल सर आप ना वहां पे करते थे इंडियन इस्लामिक सेंटर में, 4 घंटे का एक इंट्रोडक्टरी सेशन करते थे, राइट, एंड लोधी रोड पे, और तब मैंने अटेंड किया था आपका। एंड जब वो खत्म हुआ इंट्रोडक्टरी सेशन तो आपने ऑफर किया अपना कोर्स, कोर्स वाज कॉस्टिंग 40,000 पर मंथ। मेरे को लगा यार ये तो बहुत ज्यादा है, 40,000 पर मंथ, 8 महीने का कोर्स, 3,20,000। 2013 में हमारा कोई बिजनेस भी बड़ा नहीं था ज्यादा, फिर भी मेरे को पसंद इतना आ रहा था कि मेरे को ज्वाइन करने का मन था। मैंने आके अपने पार्टनर से बात करे, उसने बोला कि पागल हो गया क्या, 3,20,000 रुपए का कोर्स, और मेरे को कोई कोर्स वोर्स नहीं करना और कोई हमें सिखा नहीं सकता जो हमारा धंधा है। स्टिल आई मेट यू इन अ कॉफी हाउस दैट टाइम, एंड आपने बोला अगर पार्टनर एनरोल नहीं है तो दिक्कत आएगी, तू करना चाहे कर ले बट अगर वो एनरोल हो तो ज्यादा अच्छा है। मैंने किया नहीं कोर्स, एंड यहाँ पे वो वाला कीड़ा तब से दिमाग में तो था ही। अभी विशाल से जब फरवरी में डिस्कस किया था, लास्ट फरवरी में, तो उससे मैंने बोला कि एक बंदा है जो ये प्रॉमिस करता है कि वन डे अ वीक एंड डबल योर प्रॉफिट, दो चीजें, राइट, और हम जो अभी बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि हमें बाहर आना है और बिजनेस ऐसा बनाना है कि ये बड़े बिजनेस, तो हाउ अबाउट ट्राइंग दिस पर्सन। सो आपका 8 मंथ्स वाला तो मेरे बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई उसको, तो वन डे वाला जो प्रोग्राम था वो आ रहा था, मैंने उसको बोला वन डे वाला कर लेते हैं। तो वन डे वाला सूर्या में किया, हम दोनों को अच्छा लगा ऑब्वियसली। फिर 4 डेज वाला नेक्स्ट ऑफर हुआ तो हमने 4 डेज वाला किया। 4 डेज वाले में थर्ड डे
विशाल केम टू मी एंड ही सेड के यार ये 8 महीने वाला ना रजिस्टर करा देते हैं, ये तो होगा नहीं हमसे, और मेरे को लग रहा है द रे ऑफ होप जो हमने अपने लिए देखी है दिस इज व्हाट कैन बी, एंड दैट वाज द इंसिडेंट वी रजिस्टर्ड फॉर राहुल सर स्पोर्ट्स बीसीआई इन लास्ट फेब्रुअरी एंड 2020, एंड 2-3 क्लासेस हुई दिल्ली में इन पर्सन, और फिर कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, एंड फिर थोड़े दिनों बाद सर ने हमें पंप किया जबकि पूरा ऑफिस बंद थे, सब कुछ था, हम खुद ही डिसहार्टेंड हो रहे थे कि इतनी सारी, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी सैलरी है, इतना सारा डेट है पे करना है जो, तो पहली बार ऐसा रियलाइज हुआ कि यार जबरदस्ती हमने बिजनेस इतना बड़ा कर लिया, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, अब भुगतो। एंड जब मैं अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस में आ रहा था ना, तो माय फादर वाज एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, उन्होंने मेरे को तब भी बोला था कि तू ठीक ठाक पोजीशन पे है अभी, बीटेक मैकेनिकल है अच्छे कॉलेज से, तो क्यों अपनी ऐसी तैसी कराने जा रहा है बिजनेस में, बट एनीवेज वी केम इनटू बिजनेस। यहाँ पे जब एंटर किया कोर्स, सर ने बोला कि ये तो, मैंने सर से पूछा सर ये हो जाएगा कि हमारा हमारा बिजनेस बढ़ने लग जाए, और हमारे बिजनेस में ना बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि हम बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज के साथ डील करते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ डील करते हैं, गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं, बहुत सारे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स सिर्फ हमें ही, कस्टमर्स हमें ही फोन करते हैं, एंड दे वॉन्ट अवर प्रेजेंस, दे वॉन्ट अस ऑन द फोन, तो हम बाहर निकल जाएंगे, तो जैसे हमेशा बोलते हैं कि हो जाएगा, तो पहली बार में तो भरोसा नहीं होता हो जाएगा, राइट, क्योंकि पूरा तो सुनते भी नहीं है बात कि क्या बिजनेस है क्या नहीं है, वो कहते हैं सबका हो गया तेरा भी हो जाएगा। सो एक बार, दो बार, तीन बार के बाद जब उन्होंने बोला कि यार मनी बैक गारंटी है, क्यों क्यों इतना प्रॉब्लम कर रहा है, इतना क्यों सोच रहा है, अगर नहीं होगा तो साले 6 क्लासेस के बाद चला जाइए वो वापस, हमने बोला ये भी ठीक है बात, तो वी वेंट इन एंड द कोर्स स्टार्टेड। कोर्स वॉज, मैंने अपनी वाइफ को भी एनरोल किया, आपने भी किया होगा अपनी फैमिली को, कि 8 महीने कुछ नहीं करना, बहुत मेहनत करनी है, ये करना है वो करना है, तो मेरी वाइफ ने मेरे से पूछा कि 8 महीने बाद करेगा क्या ये तो बता, तो मैंने उसको बोला 8 महीने बाद ये होगा कि जब तू घूमने के लिए बोलेगी तब घूमने जाएंगे, जब तू बोलेगी कि ऑफिस नहीं जाना 1 या 2 दिन मैं तेरे को पहले बता दूंगा तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, एंड अवर बिजनेस विल ग्रो, सो this was the things that I committed to my wife, right? My father is also in the same business. तो उन्होंने वो retirement के बाद join कर लिया था उन्होंने, तो उन्होंने भी, उनसे भी ये किया कि systems बनेंगे, सारी चीज़ें होंगी, processes बनेंगे, मेहनत करेंगे। सर ने पहले 8 बजे उठवाया था, फिर 4 बजे उठाना शुरू किया, पापा बड़े खुश हो गए, सुबह सुबह उठने लग गया है अब तो, शुरू में दिक्कत आती थी, आदत नहीं थी, अब तो आदत हो गई, आज भी मैं 4 बजे उठा था, 4:45 उठा था, बट ड्यूरिंग द कोर्स, जब कोर्स स्टार्ट हुआ, एक एक करके जब चीजें आनी शुरू हुई तो मेरे को लगा यार कितना काम देते हैं, इतना काम, हर बार अपना बिजनेस भी करो, ये काम भी करो सारा का सारा, फिर डीएमई आ गया, डीएमई रखो, नहीं सबसे पहले ईए रखो, ईए, तो ईए तो हमने पहले, मेरे को अपने पापा से बात करने में दिक्कत हो रही थी कि ईए रखो एंड बट एनीवेज रखनी थी, तो हमने बोला कि मैं और विशाल दोनों एक ये रख लेंगे, शेयर करेंगे, राइट, जो सर ने मना करा था, बट वो एक ये रखी, थोड़े दिनों बाद वो चली नहीं काम, फिर दूसरी ये रखी, बड़ा मतलब दिल पे पत्थर रख के, और फिर उसके बाद डीएमई रखना था, फिर एक डीएमई ढूंढा सस्ता सा, फिर वो काम नहीं कर रहा था ठीक से, फिर एक थोड़ा ठीक सा डीएमई ढूंढा, फिर बोल थोड़े दिनों में आ गया कि पीसी रखो, फिर पीसी भी शेयरिंग वाली रखी, पहली पीसी मेरे और विशाल के काम में, उसका एक अलग वर्टिकल देखता है, मैं अलग वर्टिकल देखता हूँ, वो भी शेयर करी, फिर थोड़े दिनों में नहीं चल पाई तो फिर दूसरी रखी, फिर थोड़े दिनों में आ गया कि अब CRM रखो, फिर हमने बोला नहीं यार CRM वाला काम ना पीसी से करा लेंगे, ईए से करा लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ऑफिस में कोई काम होगा, कोरोना का टाइम है, बंद पड़ा है, बट सर से जब भी बात करो सर कहते थे नहीं रखो रखो, तो लास्ट में हमने फिर CRM भी रखी, बट जब
एफएमएस बनाने का टाइम आया, तो एफएमएस बनाते हुए होटल चेकइन्स नहीं हो पा रहे थे, बिकॉज इट वाज नॉट, इट वाज मेस लाइक राइट राइट नाउ, जैसे अभी है वैसे ही थी कंडीशन. और सर कहते थे होटल चेक इन करो, करने में ज्यादा अच्छा काम होता है. तो अगस्त में मैंने पहला होटल चेक इन किया, मैंने सारा काम कंपाइल कर लिया. पहली बार मैं 2 नाइट 3 डेज के लिए गया विदाउट फोन, अपना फोन घर छोड़ के गया, ये को डाइवर्ट करके, और एक को छोटा वाला फोन लेके गया. एंड वहां पे गया 2 नाइट 3 डेज वहीं पे रहा. एंड बिलीव मी इट वॉज अमेजिंग, मतलब दैट वॉज द गेम चेंजर. That was the game changer, I would say, कि मैंने सारा compile कर लिया क्या क्या करना है. जो होटल की वॉशरूम और बेडरूम के बीच में जो ग्लास लगा होता है और जो बालकनी पे ग्लास लगा होता है, उन पर सब पे लिख दिया उससे व्हाइट बोर्ड मार्कर से जो जो चीजें मेरे दिमाग में थी. एंड दैट वॉज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट मोमेंट फॉर मी एंड इज स्टिल, कि आई गॉट द डायरेक्शन के करना कैसे है, क्या करना है. And I came back and started working with my DME on first FMS and then checklist, जो FMS से attach होंगी. पहला FMS बनाने में मुझे 4 दिन लगे, 4 दिन 4 days, मतलब I think I was slow or something, but it took me 4 days. फिर सर हमेशा बोलते हैं कि टीम को अलाइन करो, बनाने के बाद टीम को अलाइन बनाओ, पहले क्रिएट करो फिर अलाइन करो. तो टीम को अलाइन किया, उनकी वर्कशॉप करी FMS की during the lockdown only. So it was that is how it started, right? But there was a very overwhelming experience, I should say that, sir, because us time pe, kyunki ab baat karte karte na yaad aa gayi ye sari baatein, ke bahut hi overwhelming experience tha us time pe, ke yaar kya hai, matlab ek ke baad cheez. And team keh rahi hai ke सैलरी कम देनी है, 80% देनी है, और लोग और बढ़े बढ़े जा रहे हैं ऑफिस में. तो दैट वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट. मतलब कोविड का टाइम हुआ था, तनख्वाहें कम कर रहे थे, और पहली बार कोविड हुआ था, तो मतलब उस समय प्लस उस समय डिमोरलाइज भी हो गए होंगे सबके सब. तो उस समय हाउ डिड यू होल्ड दिस टुगेदर, मतलब पहली बार हुआ कोविड आउट ऑफ द ब्लू, और आपके बैच का, योर्स वाज द फर्स्ट मतलब कोविड बैच, व्हाटएवर यू कैन से हाइब्रिड बैच, हाइब्रिड बैच. और आप लोगों की तो मतलब आपको तो सडनली, मतलब हम लोग कोर्स करने के लिए बैठे हैं और कोविड हो गया, और मतलब अभी तो सबको आदत है कोविड की, उस समय तो मालूम ही नहीं था कि वो आगे जिंदगी में होगा क्या. यस, ये मालूम नहीं है होगा क्या, और आप कह रहे हो नहीं एफएमएस बनाओ. सो एनीवेज, ये जो सारी चीजें अलाइनमेंट इज वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इन दिस कोर्स, के आस्क क्वेश्चंस. आपने भी बुक किताब वो पढ़ी होगी, चेंज योर क्वेश्चंस चेंज योर लाइफ, उसने मेरी लाइफ तो चेंज करी है, राइट. आई हैव स्टार्टेड आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट माय होम विद माय किड्स एट माय ऑफिस, एंड इट हैज चेंज माय लाइफ एब्सोल्युटली. सो अलाइन करने के बाद जब एक बार रिजल्ट आने शुरू हुए ना, HOD सर ने बोला था कि आउट ऑफ ऑपरेशन रखो, उनको बड़ा मुश्किल था आउट ऑफ ऑपरेशन करना. एंड जब रखा तो जब रिजल्ट आने शुरू हुए, लोगों ने, टीम ने, सब ने रिजल्ट देखने शुरू किए. आई एम टेलिंग यू, ये ना इट इज लाइक इट वर्क लाइक अ स्विच, कि ऐसे चल रहा था एंड थोड़े रिजल्ट आने शुरू हुए, एकदम स्विच हो गया. फॉर एग्जाम्पल, शायद आपके कोर्स में भी ऐसा होगा, हमारे कोर्स में भी ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों के रिजल्ट आने शुरू हुए तो ऐसा लगने लग गया कि हो जाएगा, अब हो जाएगा, राइट. सिमिलरली ऑफिस में भी मैक्सिमम लोग पीपल वर अगेंस्ट द सिस्टम, दे वर नॉट लाइकिंग इट, बट कुछ लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि हाँ ये काम कर रहा है, मेरे को इसमें ये हेल्प हो रही है, मेरे को अब मेरे काम पता लग रहे हैं, मेरे अब काम डिले नहीं हो रहे. तो बाकी लोग भी एनरोल होने लगे उसमें, एंड स्लोली कंप्लीट कंपनी गॉट एंगेज्ड. आई वुड से नाउ ऑल्सो 80-85% पीपल आर एनरोल्ड, 10-15% है अभी भी जो कि नहीं है एनरोल्ड. बट रिजल्ट्स जो आए हैं अब, दे आर माइंड ब्लोइंग, राइट. आई एम नॉट सेइंग दैट हम 100% वहां पे पहुंच गए हैं, आई थिंक 60-65% पहुंचे होंगे जहां पे पहुंचना है. बट चाहे हमने कहीं कोई भी चीज छेड़ी, सेल्स, सर्विस, पार्ट्स, अकाउंट्स, HR, रेंटल्स, कलेक्शन,
फाइनेंसिंग, इवन लोगों की प्रॉब्लम्स मतलब के ग्रीवेंसेस एंड रिक्रूटमेंट्स, एवरीथिंग एवरीथिंग, लीगल केसेस, जो ईएमडी बैंक गारंटीज हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे देते थे टेंडर भर के और फिर भूल जाते थे, या फिर एक बार फॉलोअप करते थे फिर कहते थे सर लगे हुए कर रहे हैं, बट दैट इज व्हाट इट इज. एंड समवन इज सेइंग कैन आई कैन यू शेयर द नंबर्स, डेफिनेटली आई विल शेयर द नंबर्स, बट रिजल्ट्स फर्स्ट लेट मी शो यू सो दैट यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस इट एंड देन आई विल शेयर द नंबर्स राइट. एक मिनट, कैन एवरीबडी सी हिज स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ जी. ओके, ये मैं चीज सर जो पहले जहां से शुरुआत हुई थी वो दिखाना चाहता हूं कि जो पहला होटल चेक इन हुआ था मैंने बोला कि जिससे मेरे को डायरेक्शन मिली थी, आई थिंक मे बी दैट विल वर्क फॉर अदर्स ऑल्सो. तो मैंने सर का ना सारा काम लिख लिया था राइट, एंड आई वुड सजेस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बिकॉज दिस विल हेल्प यू. मैनिफेस्टेशन से शुरू किया था, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द फ्रीडम आई एंजॉय बाय हैविंग एन अमेजिंग बिजनेस दैट रन्स ऑन ऑटो मोड एंड डबल्स द प्रॉफिट एवरी ईयर. पर्सनल प्रोडक्टिविटी में सर ने क्या सिखाया था, फाइनेंशियल कंट्रोल में, एमडीओ में, वर्क फ्लो में, एमआईएस में, सेल्स में, मैनिफेस्टेशन में, गूगल में, जो जो इन्होंने सिखाया वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाल दी. जो जो आप ग्रीन देख रहे हो ये परफेक्ट चल रही है, मतलब कि दे आर वर्किंग टू द टी. एंड जो येलो देख रहे हो ये अराउंड 80% कैटेगरी में चल रही है, 70-80% कैटेगरी में. और जो रेड देख रहे हो ये बिलो 50% कैटेगरी में चल रही है अभी एज ऑन डेट राइट. एंड दिस शीट हैज बीन अ ड्राइविंग शीट फॉर मी टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग दैट वॉज टॉट इन द क्लास. एक सेकंड सचिन, जिसको एनलार्ज करना है ना ऊपर व्यू का बटन है, एक व्यू का, व्यू पे जाके स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देंगे तो ये स्क्रीन फुल स्क्रीन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे. एक मिनट सर, व्यू पे जाके फुल स्क्रीन कर दूं? व्यू पे जाके स्टैंडर्ड पे. एवरीबॉडी विल हैव टू डू देयर ओन थिंग. आप अपना चलते रहो सचिन. ओके ओके सर, एवरीबॉडी विल हैव टू गो टू व्यू. एक व्यू में स्पीकर व्यू होता है, एक गैलरी व्यू होता है और एक स्टैंडर्ड व्यू होता है. स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दो तो सबका फुल स्क्रीन पे आ जाएगा. यस सचिन, प्लीज कैरी ऑन, सॉरी. उसके बाद मैंने फिर बिजनेस टास्क, दिस इज जस्ट एन आइडिया विच गॉट मी इनटू दिस रेस. मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ, इट इज अप टू यू हाउ यू. इसमें आपने क्या किया कि आपने सारे के सारे वर्टिकल्स लिख लिए, डिपार्टमेंट लिख लिए, व्हाट यू हाउ व्हेन लिख लिया, डायरेक्टर मतलब जो आप में से, आप और सचिन, सचिन और विशाल में से कौन इंचार्ज है इसका. और फिर आपने ये लिख लिया कि इसका ऑटो पायलट हो गया नहीं हो गया राइट. और ये ऑटो पायलट में जाएगा क्या होगा इसका, अगर आप ये देखो बहुत सारे काम थे, ये कौन सा वर्टिकल है, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या करना है, कौन करेगा, कैसे होगा और कब कब होगा, कौन डायरेक्टर इसको हैंडल करेगा, ये ऑटो पायलट में आएगा, एचओडी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं. एक एक करके सारे काम कर दिए और फिर 80-20 करके खत्म करने शुरू कर दिए. एक सेकेंड, ये स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? स्क्रीन विजिबल है, अगर एक के लिए विजिबल है तो सबके लिए विजिबल है. जो नहीं देख पा रहे वो आपको, आपकी सेटिंग में कुछ गड़बड़ होंगी. ओके, कैरी ऑन प्लीज. राइट, सो यहां से 80-20 करके फिर इस पे काम करना शुरू कर दिया. एंड उसके बाद, इसी के बाद ही स्पीड आई थी राइट. सो दैट इज व्हाट आई वाज शेयरिंग विद यू. लेट मी शेयर कपल ऑफ द सिस्टम्स दैट केम थ्रू इन माय ऑफिस राइट. एंड क्या सर, मेरा घर पे भी मैंने कुछ लगाया है बाद में, इसके बाद क्या मैं घर वाला भी शो कर सकता हूँ एक बार? हाँ हाँ प्लीज. ठीक है, तो ये अब ना, पहले जो मैंने बोला एक FMS 4 दिन लगे थे, अब हमारे मेरे ख्याल से 72 FMS है राइट नाउ दैट वी आर वर्किंग ऑन इन ऑल द डिपार्टमेंट्स लाइक सेल्स. ये लिखा हुआ है इसमें सेल्स, सर्विस पार्ट्स, PSC, CRM, सबके ये FMSs हैं. एंड तो मार्च से लेके दिसंबर तक आपने ये सब आपका दिसंबर में कोर्स खत्म हुआ था ना? दिसंबर में ठीक है, अभी दिसंबर 2020. हाँ, मतलब अभी दो तीन महीने पहले शुरू हुआ था, दो तीन महीने पहले खत्म हुआ है आपका कोर्स अभी. हाँ, चेकलिस्ट, PMS, IMS, FMS,
सारे कौन पीसी है, कौन टेक्निकल देखता है इसको और कौन इनका प्रॉब्लम सॉल्वर है. प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निकल कौन है, प्रॉब्लम सॉल्वर नॉन टेक्निकल कौन है, और इनके वीडियोस ये साथ में लगे हुए हैं सबके. कौन सा एफएमएस कैसे रन करना है, कौन सा एफएमएस कैसे रन करना है, उसके सबके वीडियो सब कुछ बना दिए. हाँ, मोस्टली सर 80-20 करके जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं उनके बना दिए. वेरी नाइस. और ये साथ में लगे भी हुए हैं यहाँ पे, ये इनके लिंक्स यहाँ पे डले हुए हैं. कहाँ है लिंक्स वीडियोस के? ये रे सर आई में कहाँ है? समझ में नहीं, स्क्रीन नहीं बदल रहा आपका, वही पहला वाला स्क्रीन ही चल रहा है. पहला वाला स्क्रीन चल रहा है यहाँ. नहीं भी, मैंने तो डेस्कटॉप ही शेयर किया था वैसे. अभी इसमें दिख रहा है सर? अब आ रहा है. तो ये सारे एफएमएसेस हैं, ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये एफएमएस हैं, ये फॉर्म्स हैं उसमें जो लगे हुए हैं, ये शीट्स के लिंक्ड हैं, ये पीसी कौन हैंडल कर रही है, टेक्निकल कौन, प्रॉब्लम सॉल्वर में टेक्निकल कौन है, नॉन टेक्निकल कौन है, वीडियोज ये रहे. तो जो एफएमएसेस हैं उनके वीडियोज, राइट. तो ये बनते चले गए. एंड कुछ मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा फायदा किया है एंड जिससे सबसे ज्यादा पैसा बचा है, राइट. पैसा बचा है, टाइम बचा है. सो लेट मी शो यू देम. एक मैंने ना अभी वर्जन 2 बिल्कुल बनाया है, तो रिक्रूटमेंट का भी बना दिया, सारे सब जगह के सिस्टम बना दिए सर. रिक्रूटमेंट लीगल, रिक्रूटमेंट भी दिखाऊंगा, लीगल भी दिखाऊंगा. कोई केस सर डिले नहीं हो सकता, कोई डेट डिले नहीं हो सकती, कोई एडवोकेट भूल केस भूल ही नहीं सकता डेट. कोई रिक्रूटमेंट में कहीं पे भी लोग चाहिए सर, मेरे यहाँ पे इतनी रिमोट लोकेशंस हैं उत्तराखंड में जहाँ पे सिग्नल भी नहीं आते, राइट. और हमारे लोग प्लेस्ड हैं वहाँ पे, वो भी फॉर्म भरते हैं, उनका भी डेटा आता है. वो अभी वी विल डिस्कस. ये अभी ना सिंपल सा एक है, डीओ टू डिस्पैच, मतलब के जब ऑर्डर आ जाता है उससे डिस्पैच तक का. तो पहले क्या होता था कि हम बहुत सारी मशीन में डील करते हैं, तो किसी में नुकसान हो रहा है मशीन में, कि कोई किसी में प्रॉफिट हो रहा है, हमें मंथ एंड में पता लगता था कि कौन सी मशीन में क्या हुआ है, टोटल मंथ में क्या हुआ है, राइट. और कभी कभार तो मंथ में भी नहीं पता लगता था. तो उसके बाद ये सिस्टम बनाया कि हर एक मशीन जो भी या जो भी इक्विपमेंट हम बेचेंगे उसके डील अप्रूवल्स बनेंगे. उसके डील अप्रूवल्स में जो जो हमने खरीदा, कितने का, क्या क्या हमने एक्सपेंसेस किए, क्या क्या कस्टमर को निकल आता है सर हर एक मशीन का. दिस इज एन एफएमएस जिसमें पहले मशीन जैसी डील क्लोज होती है वो आती है, उसके बाद वो आगे चलती है, उसमें मशीन एलोकेट होती है. मशीन एलोकेट होने के बाद डील अप्रूवल फॉर्म जाता है, पीडीआई रिपोर्ट आती है. आप ये देख सकते हो इसमें इनवॉइस होती है मशीन, एंड जहां जहां पिंक है वो टाइम डिले है, बाकी सब बिल्कुल ऑन टाइम चल रहे हैं. बाकी बिफोर टाइम है. और ये आप देखोगे, ये अभी 2021 का, ये जनवरी का दिखा रहा हूं मैं आपको. और ये मशीन डिस्पैच हुई है और ये लाइव है, मतलब दिस शीट इज लाइव. जो अभी तक आज सुबह तक जो काम हुआ होगा, जो या फिर जो लास्ट मशीन बिलिंग हुई होगी, नीचे जाके दिखाना जरा हमारे को. एक मिनट सर, पता नहीं क्यों थोड़ा सा स्टक हो रहा है, स्लो चल रहा है. एक मिनट. हाँ तो ब्लैंक हो गया शीट. एक मिनट सर, ये आई थिंक या तो इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है या इसमें कुछ, मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है. नो प्रॉब्लम. हाँ, आप अगर ये देखो, ये देखो लास्ट 17-4, मतलब 17-4 की मशीन्स बिल्ड जो हैं वो इसके अंदर हैं. सो आज क्या डेट है, आज 19 है, तो कल संडे था, तो आज कोई मशीन नहीं बिल्ड हुई, बट लास्ट मशीन भी इसके अंदर अपडेटेड है. अगर हम डील्स देखें, सो ऑल द मशीन्स दैट वी आर सेलिंग, हमारे अभी 11 ऑफिसेज हैं, 8 ऑफिसेज थे, 3 पिछले साल खोले हैं एंड ईयर एंड में, कोई भी ऑफिस कोई भी बिल करता है, राइट. वो यहाँ पे डेटा अपडेट हो जाता है, ये हर एक मशीन का डेटा अपडेटेड है. ट्रांसपोर्टर कौन है, बिलिंग टाइप क्या है, सेल प्राइस क्या है, डिस्बर्स अमाउंट कितना है, कौन से बैंक से लोन लिया है,
मनी कितनी थी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट टीआरसी मतलब टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दी है नहीं दी, कोई भी चीज मतलब एनी काइंड ऑफ स्मॉल टू स्मॉल एक्सपेंस। 50 लाख की मशीन में 343 रुपए का भी अगर खर्चा आया है तो आप देख लो यहाँ पे स्पेशल अप्रूवल के साथ इसमें डला हुआ है। 50 लाख की मशीन में 300 रुपए का भी अगर अप्रूवल है वो भी इसमें कंट्रोल में है। 343 रुपीज सर, मतलब कि हर एक मशीन में 1 रुपया भी नहीं खर्चा हो सकता अगर अगर इसके अंदर नहीं है। और ये देखो आप मार्जिन शीट में ये वाली लाइन है मशीन वाइज मार्जिन है कि कौन सी मशीन में क्या मार्जिन आ रहा है। इसमें मैंने एक स्पेसिफिक मार्जिन अपना पहले से कट करके रखा हुआ है। अगर जो भी आप माइनस में देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए अगर कट करके रखा हुआ है मार्जिन, तो 1 लाख के बाद अगर कोई आएगा तो आएगा। तो ऐसे हर एक मॉडल वाइज मैंने मार्जिन कट करके रखे हुए हैं कि वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके बाद ये मार्जिन कैलकुलेट होगा, इस पे इंसेंटिव कैलकुलेट होगा। आपने बहुत बढ़िया ये सारा सिस्टम आपने कोर्स के दौरान बनाया, जो जो हमने आपने जो जो टेक्नोलॉजी की वर्कशॉप अटेंड करी उसमें बनाया सब। सर ये तो इस टेक्नोलॉजी वाली तो अभी बताऊंगा, ये तो आपने जो सिखाया था उसी से बन गया था। वेरी नाइस। टेक्नोलॉजी वाली भी तो अभी आएंगे, टेक्नोलॉजी वाली ने तो गेम ही चेंज कर दी। अगर अगर मैं देखूं मशीन परचेज, उससे पहले क्या था कि मशीनें परचेज होती थी, स्टॉक रहता था। आपने बोला यार ट्रेडिंग में इन्वेंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन्वेंट्री टर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उस पर सर बहुत काम किया हमने इन्वेंट्री टर्न पे। उसके बाद मशीन परचेज सबकी IMS लगा दिया। IMS लगाने के बाद हर एक मॉडल वाइज IMS लगा दिया। IMS मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इन्वेंट्री की शीट भरो, वहां से शुरू होता है। इन्वेंट्री शीट भरने के बाद सर इतने मजे आ गए, मतलब मेरे को लगता है मैंने आपका सारा कोर्स का जो खर्चा है ना वो सिर्फ एक इस चीज से निकाल लिया था, IMS से, राइट। एंड IMS से अब क्या होता है कि IMS से ही परचेज होती है, IMS से ही कोई भी मशीन अगर इनको खरीदनी होती है तो ये क्या करते हैं कि इंडेंट रेज करते हैं। यहाँ पे देखो IF लिखा हुआ है, इंडेंट, ये फॉर्म है। इंडेंट रेज होता है, कौन सा इक्विपमेंट खरीदना है, कितने यूनिट्स खरीदने हैं, उसके बाद ऑर्डर कहाँ से करना है, कहाँ के लिए करना है, क्या कितने में खरीदना है। ऑर्डर भी करने का आपको डिसाइड करने की अब जरूरत नहीं पड़ती। सर मैं अभी बताता हूँ कहाँ पे मेरी जरूरत पड़ती है। सर ये देखो 41 लाख 50 हजार, 43 लाख 40 हजार, इसकी जो बाइंग है ना सर, ये इतनी हैवी इक्विपमेंट्स की बाइंग ये पीसी कर रही है। आप कह रहे 40 40 50 50 लाख की चीजें पीसी कर रही है, खरीदना, खरीद, ये खरीद पीसी रही है। मेरी इसमें इन्वॉल्वमेंट बताता हूँ कहाँ पे आती है, 3 लेवल इन्वॉल्वमेंट है। डिसीजन भी वही ले रही है कि कौन सी मशीन खरीदनी है। सर नहीं, वो सेल्स वाला है, सेल्स एडमिन रेज करता है कि ये मशीन चाहिए, ये IMS का स्टॉक अपडेटेड डला हुआ है, मैक्स लेवल्स डले हुए हैं, हर एक जैसे ही वो इंडेंट फॉर्म आता है अपने आप उस इंडेंट फॉर्म का IMS और मैक्स लेवल यहाँ पे आ जाता है। अप्रूवल यहाँ पे सामने आता है कि अप्रूवल इज नीडेड और नॉट नीडेड। जहां पे भी नॉट नीडेड है वहां पे पीसी खुद खरीदती है, खुद ऑर्डर प्लेस करती है। जहां पे नीडेड है वहां पे मेरे सेल्स हेड के पास जाता है अप्रूवल। अगर एक मशीन का मैक्स लेवल से ज्यादा गैप है तो सेल्स वाले के पास जाता है, उससे ज्यादा का गैप है तो मेरे पास आता है। तो बॉटम लाइन मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ क्योंकि इनको समझ में नहीं आएगी। आप ये कह रहे हो कि आपकी जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट शीट है आज वो बताती है कि कौन सा माल खरीदें, कब खरीदें। एब्सोल्युटली। तो अब इसमें इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ मतलब सिर्फ ये होना चाहिए उसके सबके फॉर्मूले लग गए। सर फॉर्मूले लग गए हैं और उसके बाद इनको जैसे ही ये हो जाता है सारा पीओर रेज हो जाता है, ये लिखा हुआ है पीओ रेज होना, उसके बाद इनवॉइस फॉर्म आता है, मशीन आ जाती है। Let's go back to the main sheet. So what you're saying essentially is कि अब आपका सारा जो process purchase का है वो भी automated हो गया, उसमें दिमाग नहीं लगाना, full automated. Sheet देखो और वहां से purchase कर सकते हो. Full automated. And daily stock की report आती है. Let me show you जो report आती है ना daily, और ये automated report है, इसमें कोई कोई भेजता नहीं है report. Daily report आती है, आज की अभी 12:15 नहीं हुए, 12:15 बजे आती है, मैं इससे पहले वाली दिखा देता हूँ। हाँ क्योंकि उसका 12:15 का ट्रिगर लगा हुआ है।
ये हमें पता ही नहीं था सर कि अपने आप सिस्टम भी रिपोर्ट्स भेज सकता है. सो अब तो ये जैसे ये देखो ये आती है रिपोर्ट, स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट 16 तारीख की, अभी 16 अप्रैल की. एज वाइज कौन कौन सा मॉडल कितना खड़ा है, 28 इक्विपमेंट खड़े हुए हैं कहाँ कहाँ पे, कितने कितने पुराने हैं, कौन सा मॉडल कितना पुराना है, अक्टूबर 2019, दिसंबर, अप्रैल, लोकेशन वाइज कहाँ कहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग जगह पे यार्ड्स हैं सर. देहरादून में है, धारवाड़ कर्नाटका में है, फरीदाबाद में है, खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है, ट्रांजिट में अगर कोई मशीन है तो वो यहाँ पे आ जाता है. और स्टॉक वैल्यू, वेरी नाइस, स्टॉक वैल्यू अगर आप देखोगे 8,86,00,000 रुपए का स्टॉक हमारे पास अभी है. ये जब 31 मार्च 2020 हमारा खत्म हुआ था लास्ट ईयर, मेरे पास स्टॉक था 29.5 करोड़. जब आपने कोर्स शुरू किया था आपका स्टॉक कितना था? 29.5 करोड़ का स्टॉक था. एंड राइट नाउ मैंने आपको लाइव दिखाया, ये दिस इज लाइव स्टॉक, 8,86,00,000 इज द लाइव स्टॉक. कितना स्टॉक कम हो गया? तो कितना कम हो गया सर, मतलब क्या 50% से ज्यादा कम हो गया, मतलब 60-70% कम हो गया, राइट? आई थिंक 70%, या एग्जैक्टली अराउंड 70% स्टॉक कम हो गया. एंड लास्ट मंथ मार्च में, यू विल बी हैप्पी टू नो, मार्च जो अभी लास्ट मंथ गया है, हमने जब से बिजनेस शुरू किया हमारे 4 वर्टिकल्स हैं और चारों वर्टिकल में आज तक का हाईएस्ट बिजनेस किया हमने. हाईएस्ट बिजनेस कर स्टॉक 70% स्टॉक कम हो गया और आप बिजनेस हाईएस्ट कर रहे हो और आप ट्रेडिंग में हो. हाईएस्ट बिजनेस सर, हाईएस्ट बिजनेस विद अ ह्यूज मार्जिन, ह्यूज मार्जिन. मार्जिन हुए हैं कि कम हुए हैं? मार्जिन सर, मार्जिन इन द सेंस के जो इससे पहले वाला बिजनेस स्टेप था उससे ऊपर, राइट, का मार्जिन बहुत ज्यादा है. मार्जिन जीपी जो आप मेरे से बात कर रहे हो, जीपी हमने ऑलरेडी इस पे काम करना शुरू कर दिया है. अब हमने प्रोडक्ट्स चूज कर लिए हैं कि कौन से प्रोडक्ट पे पेडल दबाना है, कौन से कस्टमर टाइप पे पेडल दबाना है, कौन से टेरिटरीज में पेडल दबाना है. मैंने ऑफिसेज बंद भी किए हैं, मैंने अपना दिल्ली वाला एक मेन ऑफिस बंद कर दिया, राइट, बिकॉज उसका उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था वो आ नहीं रहा था. हमें वहां पे इन्वेंट्री टर्न्स हमारे घूम नहीं रहे थे. हमने सबको कन्विंस किया, एवरीबडी वॉज अगेंस्ट इट, बट नाउ वी हैव क्लोज्ड इट एंड एवरीबडी इज हैप्पी, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. और जहां जहां पे खोलने थे वहां पे ऑफिस खोले, 3 ऑफिस लास्ट ईयर खोले हैं, 8 ऑफिस इस साल खोलेंगे जो कि ऑलरेडी प्लान हो गए हैं. ओके, फर्स्ट शेयर ऑल द रिजल्ट्स यू हैव गॉट एंड देन वी कैन सी दी शीट्स. ओके, सो रिजल्ट्स सर, शीट्स डन फॉर दो एक सेकंड. रिजल्ट्स तो ना, रिजल्ट्स आई विल शो यू सम ऑफ द रिपोर्ट्स दैट आई एम गेटिंग, राइट. देयर आर लॉट ऑफ रिजल्ट्स दैट आर कमिंग इन द रिपोर्ट्स ओनली. जैसे मैं अभी आपको कह रहा था कि उसका मेरे पास वो आती है परचेज का अप्रूवल, ऐसे आता है इंडेंट, ये मॉडल ये खरीदना है, क्वांटिटी इतनी खरीदनी है, मैक्स लेवल एक है, अभी करंट स्टॉक 0 है, रीजन क्यों खरीदना है, इसलिए खरीदना है, ऐसे आती है मेरे पास मेल और मैं ओके कर देता हूँ, अप्रूव कर देता हूँ, चली जाती है. एंड दिस इज ऑटोमेटिक, वो भेजते नहीं है मेल, सिस्टम भेजता है अपने आप. सिस्टम भेजता है मतलब? सिस्टम भेजता है सर, वो ट्रिगर लगे हुए हैं जब वो एफएमएस में काम कर रहे होते हैं. कोई आदमी ये मेल नहीं भेज रहा, ये सब ऑटोमेट कर दिया आपने और सब गूगल के प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेट किया है. कुछ 100% गूगल पे है, गूगल ही मेल भेजता है, गूगल ही अप्रूवल लेता है, गूगल ही उनको बताता है, गूगल ही वहां पे एफएमएस को ट्रिगर करता है कि अप्रूवल आ गया, अब आगे के स्टेप्स ऑन कर देता है. कैसे चलता है ये ऑटोमेटिक, क्या क्या ऑटोमेटिक है ये समझा दो जरा बेसिक, ये बंद करो ये मुझे बता दो और फिर या फिर बीच में दिखाना. तो जैसे हाँ, ऑर्डर लेना, ऑर्डर देना, ये सब क्या 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 क्या, व्हाट्सएप पे आपने क्या क्या कर दिया, क्या किया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जो टेक्नोलॉजी का कोर्स किया था? सर जितने भी लोग हैं उनको उनके काम पता है, चाहे वो चेकलिस्ट हैं, चाहे वो एफएमएस हैं, चाहे वो हमारी अपनी साइट बनी हुई है इंटरनल साइट, सबके लॉग इन आई डीज हैं, सब उसमें एंटर करते हैं, रोज देखते हैं हमारा काम क्या है, रोज खत्म करते हैं वो काम. किसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या काम करना है. जितने भी क्लेरिकल काम थे वो सब खत्म है, मतलब कि मेरी तो जिंदगी में नहीं है. आई विल शो यू सम ऑफ द थिंग्स जो मेरी लाइफ में डिफरेंसेस आए हैं, राइट. पैसा तो इज वन थिंग, राइट, जो आपने बोला ही था. 1.5 दिन मैं ऑफिस जाता हूँ सर, अभी मंडे आज ऑफिस में हूँ और कल हाफ डे के बाद 3 बजे ऑफिस आऊंगा, 3 बजे से 6 बजे तक. दिस इज माई कंप्लीट ऑफिस टाइम इन कंप्लीट वीक. एंड मैं सारी मीटिंग्स कर लेता हूँ इसमें जो पहले नहीं कर पाता था. कोई भी मीटिंग, मतलब कि कोई भी डिपार्टमेंट, एनी डिपार्टमेंट, आई एम इन टच विद देम, राइट.
डेली एमडीओ मीटिंग होती है, डेली मेरे पास अपडेट आता है. आई एम बिजनेस पे ना इतना कंट्रोल कभी था ही नहीं. I can go on and on and show you all the things that are there, but it will take lot of time. कितने offices हैं आपके? मेरे सर अब 11 हैं. पहले 8 थे, अब 11 हैं. और आप डेढ़ दिन में चला लेते हो? सर डेढ़ दिन भी ना, मैं अपनी खुशी के लिए आता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि स्टाफ को लगना चाहिए कि आई एम देयर. जो ट्यूजडे को 3 घंटे के लिए मैं आता हूँ ना, वो मैं 3 मीटिंग्स ही करता हूँ और ऑनलाइन ही करता हूँ, और मैं घर पे बैठ के भी कर सकता हूँ. डॉक्यूमेंट सिर्फ ट्यूजडे को साइन करता हूँ, उसके साथ मैंने मर्ज कर रखा है. व्हाट्सएप दिन में 3 बार व्हाट्सएप के रिप्लाई देता हूँ. दिन में 2 बार पहले ईमेल्स भेजता था, अब तो ये ही ईमेल्स आधी से ज्यादा रिप्लाई कर देती है, या फिर मेरे को जो उसको समझ में नहीं आता उसके स्क्रीनशॉट भेज देती है, वो मैं उसको 11:30 बजे और 4:30 बजे रिप्लाई कर देता हूँ, क्या इनके जवाब देने. इन दिस टाइम घर पे, मतलब माई कनेक्टिविटी एट होम हैज इंक्रीज लाइक एनीथिंग. मेरे को ना हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक था, तो आई हैव 2 daughters. आई हैव 1 11-year-old daughter Myra and 1 6-year-old daughter Sia. तो मेरे को हॉर्स राइड, घोड़े बहुत अच्छे लगते थे बचपन से, राइट? एंड कभी मगर मौका नहीं मिला सीखने का. तो ड्यूरिंग द कोर्स ओनली, जब ये सारी चीजें हो रही थी और रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, तो मेरे को भी टाइम मिलना शुरू हो गया, एंड मैंने हॉर्स राइडिंग शुरू करी. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट माय डॉटर हैज रिसेंटली, दिस मंथ ओनली, अप्रैल में ही शी हैज पार्टिसिपेटेड इन दिल्ली हॉर्स शो. आई वाज सो प्राउड. इट इज द बिगेस्ट हॉर्स शो ऑफ इंडिया. आई हैव स्टार्टेड जंपिंग विद हॉर्सेस विद वेरी सीनियर राइडर्स, राइट, ड्यूरिंग द कोर्स. एंड स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली इज लाइक, घर तो घर पे भी जितना भी कोऑर्डिनेशन वाला काम था ना सर, सारा ऑटोमेटेड. मतलब मेरे घर पे सर, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे घर पे अगले 14 दिन में, राइट, क्या खाना बनेगा, कौन सी मील में क्या खाना बनेगा, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, पूरी फैमिली के साथ डिस्कस्ड है, उसके हिसाब से ही सामान आता है, ड्राइवर सामान लाता है, मेड ऑर्डर करती है, एंड कोई सामान खत्म नहीं होता. वाह, नथिंग. आप घर पे भी ऑटो पायलट लगा रखा है? सर अभी दिखाता हूँ आपको. माली कार क्लीनर, माली को सैलरी उसको तब मिलती है जब वो अपने फॉर्म्स अपलोड कर देता है फोटो के साथ कि वो आया है घर पे, टाइम स्टैम्प के साथ कि ये इतने दिन की उसकी सैलरी है क्योंकि इतने दिन के फॉर्म अपलोडेड है. एंड गाड़ी साफ करने वाला जो आता था, वो कभी वाइफ कहती थी यार ये अच्छे से साफ नहीं करता, ये अंदर से नहीं करता, ये डिक्की छोड़ देता है, तो उसको ना उसके स्टेप्स बना दिए, फॉर्म में लगा दिए कि भैया ये सारी फोटोग्राफ्स तेरे को अपलोड करनी है, तभी उस दिन की सैलरी मिलेगी तेरे को. मतलब दिखाओ. सर दिखाता हूँ. और जो आप ऑटोमेशन की बात कर रहे थे ना आप, उसकी एक मिनट बस, ये लास्ट चीज शेयर करता हूँ फिर दिखाता हूँ. ऑटोमेशन की बात कर रहे थे सर आपके, वो टेक्नोलॉजी वाली वर्कशॉप से क्या हुआ? टेक्नोलॉजी वाली वर्कशॉप से ये हुआ है कि जब अब कस्टमर ऑर्डर देता है, जब कस्टमर पैसे देता है, एडवांस देता है, जब कस्टमर की मशीन इनवॉइस होती है, इक्विपमेंट इनवॉइस होता है, जब डिस्पैच होता है, जब रस्ते में होता है, राइट, जब डिलीवर होता है, हर मोमेंट का व्हाट्सएप मैसेज उसके पास जाता है, हर मोमेंट का, और लाइव जाता है, और उसके बीच में भी अगर कस्टमर को कभी किसी से कुछ पूछना है तो एक नंबर दे रखा है जिसपे चैटबॉट लगा रखा है, उससे वो पूछ सकता है, उसको रिप्लाई जाएंगे, उसका लेजर उसको चाहिए, कुछ भी चाहिए. दिखाता हूँ. सो मेरे को ना ये बड़ा सपना सा लगता था जब शुरुआत हुई थी कि ऐसे भी हो सकता है. बट नाउ व्हेन इट इज हैपनिंग इज लाइक आई गेट ओवरवेल्म लुकिंग एट इट समटाइम्स. एक मिनट में आपको दिखाता हूँ. ये सर हमारा ऑफिस का ना ऑटो व्हाट्सएप नंबर है. कोई भी सेल्स वाला बंदा किसी भी कस्टमर से पहली बार जब मिलता है, वो जैसे ही ये फॉर्म में भरता है कि मैं इस कस्टमर से मिला हूं, उस कस्टमर को ये वाला मैसेज चला जाता है. हर रोज जाते हैं ये मैसेजेस हर नए कस्टमर को. डियर संजू जी, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू अवर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर शिव कुमार. आई एम श्योर यू वुड हैव गॉट ऑल द डिटेल्स रिक्वायर्ड बाय यू
please feel free to call at this number, toll free number hai, for any further query. We are sharing complete product range for your kind consideration. Regards, Seema Devan. ये sales coordinator है Seema Devan. और ये कौन है ये सब? ये सर सिस्टम भेजता है. अच्छा. कोई नहीं भेजता. कोई लड़का नहीं भेज रहा. कोई नहीं भेजता. कस्टमर का नाम अपने आप उठाया जाता है, सेल्स वाले का नाम अपने आप उठाया जाता है और ये कस्टमाइज हो जाता है मैसेज और ये उस कस्टमर के पास जाता है और सेल्स वाले के पास जाता है ऑटोमेटिक. वेरी नाइस. और ताकि वो सेल्स वाले लोग कहते थे सेल्स वालों को ट्रैक करो, सेल्स वालों को ट्रैक करो, सेल्स वाले झूठ बोलते हैं, ट्रैकिंग ट्रैकिंग लगा देते हैं उस पे वो और ज्यादा उखड़ जाते हैं. तो हमने ये कर दिया, अब जो भी कस्टमर का वो नाम डालता है कि मैं इस कस्टमर से मिला, क्योंकि उसको डेली रिपोर्ट देनी पड़ती है, उस कस्टमर के पास मैसेज चला जाता है. शुरू में कभी कभार ऐसा हुआ कि कुछ मैसेज फोन आए हमें इस नंबर पे कि जी ये तो आपका बंदा तो आया नहीं, तो बट वो सेट राइट हो गया. अब कोई नहीं का, अब कोई फोन नहीं आता ऐसा. सो दीज आर सम ऑफ द नंबर्स, क्योंकि ये मैंने अपने नाम पे डाल रखे थे इसलिए मेरे को आ रहे थे. बट मैंने जब कोई भी सिस्टम शुरू करता हूँ सर, वो शुरू में उसकी ईमेल्स और मैसेजेस अपने पास डाल लेता हूँ, बाद में हटा देता हूँ जब वो. ओके, ऑर्डर. ग्रेट. ऑर्डर कैसे शुरू होता है? एक मिनट सर, इसी में ऊपर दिखा रहा हूँ क्योंकि वो मैं अब हटा चुका हूँ ना अपने पास से, इसलिए आपका आपका व्हाट्सएप है ये? मेरा व्हाट्सएप सर मैंने हाँ अपने आप से वो हटा दिया है कि मेरे को ना आए अब वो जो 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 मैसेजेस सेटल हो गए हैं. जैसे अब ये आ गया मैसेजेस, ये देखो सर, योर मशीन टाटा अटैची दिस हैज बीन डिलीवर्ड एज पर बिलो डिटेल्स, डिलीवरी डेट ये, डिलीवरी टू किसको डिलीवरी करी हमने साइट पे, बिकॉज पैन इंडिया डिलीवरी होती है, कॉन्टैक्ट नंबर ये, वी हैव इन्फॉर्म्ड अवर टीम टू लाइन अप द कमिशनिंग ऑफ न्यू मशीन एट योर साइट, वी विश यू अ प्रॉफिटेबल एसोसिएशन विद टाटा अटैची एंड टाइम इक्विपमेंट, प्लीज रिप्लाई यस इफ यू हैव रीड दिस. सीमा देवान, यहाँ पे नंबर आ गया सीमा देवान का जो कि CRM है. उसके बाद एक चीज जो आपको अच्छी लगेगी ना, ये देखो, योर मशीन भारत कंस्ट्रक्शन, योर मशीन टाटा अटैची इज इन ट्रांजिट एंड इट्स टूडेज लोकेशन इज बंगाल बॉर्डर, इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच बाय दिस. ये डेली मैसेज जाता है उनको, तो कोई कस्टमर हमें फोन ही नहीं करता कि मशीन कहाँ पहुंची, मशीन निकली कि नहीं निकली, इनवॉइस हुई या नहीं हुई. ना कोई सेल्स वाला फोन करता है, ना कोई कस्टमर फोन करता है, सबके पास अपने आप मैसेजेस जाते हैं. टोटल यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऑफिस में शांति रहती है. और ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है कि लोग भेज रहे हैं? सर लोग भेज ही नहीं सकते, अगर ये सिस्टम जनरेटेड नहीं होगा तो लोग भेज ही नहीं सकते, ये चल ही नहीं सकता सिस्टम. एंड ये चीज जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ना, ये हमने आपकी टेक्नोलॉजी वर्कशॉप में सीखी थी, एंड टेक्नोलॉजी वर्कशॉप से हमने चुरा ली और फिर ये लगा दी. इनवॉइस की भी ऐसी मैसेज आया, चुराई नहीं, सीखी और सीखनी थी, चुरानी थोड़ी थी, वो तो आपको सिखाई है. So this has actually reduced lot of noise in the system and everything is streamlined. And customer को ऐसे लगता है कि यार कितनी अच्छी कंपनी है यार ये, कि हर चीज हमें बताती है, सब कुछ हर स्टेप पे बताती है. तो वो जो आपको कस्टमर को क्या 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 व्हाट्सएप जाते हैं ये बता दो जरा, शुरू से लेकर आखिरी तक. कस्टमर को मैसेज जाता है जब वो ऑर्डर प्लेस करता है, तो ऑर्डर का मैसेज जाता है कि थैंक यू फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑन दिस मशीन, ये वो सारी चीजें. फिर उसका जब एडवांस देता है तो उसका मैसेज जाता है रिसीट नंबर के साथ. नंबर थ्री, जब उसकी इक्विपमेंट इनवॉइस होती है तब मैसेज जाता है, जब डिस्पैच होती है तब जाता है, जब तक उसके पास पहुंचती नहीं है तब तक रोज जाता है लोकेशन पे कहाँ पहुंची, क्योंकि हमें पैन इंडिया भेजना होता है, किसी को 10 दिन लगते हैं, किसी को 20 दिन लगते हैं. फिर जब पहुंच जाती है तो जाता है कि पहुंच गई और किसने उसके यहाँ पे हैंडओवर लिया है. फिर उसके बाद जब कमिशनिंग हो जाती है तब जाता है. उसके बाद लास्ट हमारा सेल्स वाला बंदा हैंडिंग ओवर करने जाता है, फोटो खिंचवाता है, उस फोटो के साथ जाता है एज अ थैंक यू. ये मैसेजेस कस्टमर को जाते हैं. अब इसके बाद कस्टमर कुछ भी नहीं पूछ सकता? कस्टमर पूछता ही नहीं है सर, कस्टमर कॉल ही नहीं करता. एंड पहले क्या होता था, कस्टमर वॉल सेल्स वाले क्या करते थे सर, ऑर्डर ले लेते थे और उसके बाद कस्टमर का फोन ही नहीं उठाते थे. एंड कस्टमर और कमिट कर देते थे कि 3 दिन में मशीन पहुंच जाएगी, 4 दिन में पहुंच जाएगी, और 4 दिन बाद फोन ही नहीं उठाते थे. और कस्टमर के पास और किसी का नंबर ही नहीं होता था, वो परेशान हो जाता था, ढूंढ ढांड के नंबर अगर करता था तो इतनी ज्यादा हीटेड सिचुएशंस में होता था बहुत बार, कि हमारे ऑफिस में इतनी ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होती थी. अब तो
डे वन से जब वो ऑर्डर प्लेस करता है उसके पास एक पैरेलल टोल फ्री नंबर है जिसपे पूरा टाइम एक सीआरएम बैठी हुई है जो उसका फोन उठाएगी ही उठाएगी, तो अगर सेल्स वाला नहीं उठाएगा तो वो उठाएगी, सेल्स वाले को भी पता है वो भी उठाता है। वेरी नाइस। रिक्रूटमेंट का सिस्टम दिखाओगे? रिक्रूटमेंट भी दिखाता हूँ सर अभी। ओके पहले रिक्रूटमेंट दिखा देता हूँ। आपने सारे सिस्टम वर्कशॉप में ही बनाए ना सर? पहले पहले तुलना करी थी सर, कोर्स तो अभी किया है, मैं घर वाले दिखाने लग गया था, एक मिनट मैं रिक्रूटमेंट वाले दिखाता हूँ। ये रहा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में सर क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लोग चाहिए होते थे और वो कहते थे हमने बता रखा है एचआर को, एचआर कहता था इसने बताया नहीं है, एचआर कहता था इसने जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं दी, इतने काफी दिन इसी में लगता रहते थे। तो हमने ये ना हमने हर एक एफएमएस के वाई वाई भी बना रखे हैं कि ये जो एफएमएस बना रहे हैं ये क्यों बना रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, डिले इन रिस्पॉन्स फॉर इंटरव्यूज, इंटरव्यूज टाइम स्लॉट, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्या रिपोर्ट्स निकलेंगी इसमें से वीकली मंथली, और ये वर्कशॉप का जो स्ट्रक्चर है। सो अब क्या होता है, अब जिसको भी अपने डिपार्टमेंट में मैन पावर चाहिए वो इंडियन फॉर्म भरता है, इंडियन फॉर्म एचओडी के पास जाता है अपने आप अप्रूवल के लिए, एचओडी उस पर अप्रूव करता है, जैसे ही एचओडी अप्रूव करता है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी बन गया सर आपकी आपकी वर्कशॉप में जो पहले नहीं था, अगर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का पार्ट है तो डायरेक्टली एचआर के पास चला जाता है विद अ मेल कि ये डिपार्टमेंट में ये बंदा चाहिए। बॉटम लाइन है कि आपका पूरा रिक्रूटमेंट भी ऑटो पायलट भी चल रहा है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में नहीं है तो मेरे पास या डायरेक्टर के पास आता है कि अप्रूव कर दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है हमारी अप्रूवल की। वेरी नाइस। उसके बाद एक मिनट दिखा दें। हाँ तो इसमें सब आपने रेज्यूमे भी सब यही डाले हुए सर? सारे रेज्यूमे ये रहे, मतलब कि 23 जुलाई 2020 के बाद हमारी कंपनी में अगर कोई भी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है तो वो यहाँ पे है। वेरी नाइस। ये खोल के दिखाना है एक रेज्यूमे, मतलब यहाँ पर ही क्लिक कर दोगे, एफएमएस में ही क्लिक कर दोगे? ये रहा, खुल जाएगा सर ये रहा। किसी का भी रेज्यूमे अगर खोलोगे तो पता लग जाएगा ये बंदे का रेज्यूमे था, ये बंदा आया था, इसको ये शॉर्टलिस्ट हुआ था, इसका इंटरव्यू हुआ था, इतने बजे इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद इसलिए हुआ, कब आया था, कौन था, किसने इंटरव्यू लिया, कौन सी स्टेज पे रिजेक्ट हुआ, ये रहा सर ये सुचित झा। वेरी नाइस। इसको बंद कर दीजिए, मतलब कि एनी यू कैन ओपन एनी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ग्रेट, नाउ लेट्स शट दिस सिस्टम। तो आपने रिक्रूटमेंट पूरा ऑटो पायलट पे कर रखा है अभी? स्क्रीनिंग, हां स्क्रीनिंग होती है, इंटरव्यू वन पैनल टू पैनल, मगर ना मैं समरी दिखा दूं जो आपके लिए आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। अब हम सिर्फ समरी देखते हैं, एक हफ्ते में एक बार कोर मीटिंग होती है, उसमें एचआर के पास 15 मिनट का टाइम होता है जो कि वो बताता है। सेल्स, जैसे अभी सेल्स है तो सेल्स में 8 ओपन वैकेंसीज हैं, 15 सेल्स की वैकेंसीज क्लोज हो चुकी हैं। अगर मैं कोई भी और डिपार्टमेंट देख लूं, ये रे डिपार्टमेंट्स, सर्विस पार्ट्स, एनी डिपार्टमेंट अगर मैं देखूं कितनी उसमें वैकेंसीज हैं, कितनी क्लोज कर चुकी हैं, कितनी ओपन है, कौन कौन सी लोकेशन में ओपन है, देहरादून में है, पिथौरागढ़ में है, चरखी दादरी में है, जहां पे भी है, तो ये सामने है। वेरी नाइस। ओके लेट्स गो बैक, और मेरे को घर का ऑटो पायलट दिखाओ सर। हाँ वही मैं दिखा रहा था सर, क्योंकि अपना वो दिखा दो। चलो घर का ऑटो पायलट दिखा दो, फिर एक बार मेरे को वेबसाइट दिखा देना अपनी। हाँ वेबसाइट दिखा दूंगा सर, जो घर पे, क्योंकि जब ये मेरे को घर पे भी सर बड़ी सारी चीजें दिखने लग गई थी जब ये बन रहा था ना, कि एक चीज सर जो आपके कोर्स में समझ में आई है ना, कि कोई भी काम हो, कोई भी काम आता है, अभी भी आता है मेरे पास कोई भी काम, मैं देखता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मतलब सिग्निफिकेंट है, वो 80-20 में आता है मेरे, अगर आता है तो, अगर वन टाइम काम है या रिपीटेड काम है, रिपीटेड काम है तो चेकलिस्ट राइट में जाएगा, अगर वन टाइम काम है तो डीएस डेलीगेशन शीट में जाएगा और कोई और करेगा काम, मतलब मेरे को सिर्फ यही करना है कि मेरे को चेकलिस्ट में डालना है, मेरे को डेलीगेशन शीट में डालना है और मेरे को सिस्टम में डालना है, दैट्स इट, मेरे को करने नहीं है काम। जब से मैंने ये वाला काम करना शुरू किया है ना, तब से एक्चुअली में काम बहुत फास्ट होने शुरू किए हो गए सर। मैंने अपने आई वुड एडमिट के मैंने ना अपने काम डेलीगेशन शीट में डालने शुरू कर दिए थे, और मैंने अपना स्कोर देखा डेलीगेशन शीट में तो मेरा स्कोर एक्चुअली में बहुत खराब था, तो मुझे ऐसा मतलब दिख रहा था कि मैं ही सबसे कम काम कर रहा हूँ, तो मैंने हटवाया अपना डेलीगेशन शीट से। वेरी नाइस, वेरी नाइस, तुम ही सबसे बड़े निकम्मे हो। मेरे समझ में आ गया कि मैं, मेरे से नहीं हो पाएगा,
ये देखो सर मेंटेनेंस घर पे मैं ना 100% श्योर हूँ कि मेरे घर पे एक भी आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली राइट, तो हमारे यहाँ पे 3 फ्लोर्स हैं, 3 फ्लोर्स में एक भी प्लग या एक भी चीज खराब नहीं होगी पूरे घर में, ये 100% श्योर हूँ मैं। ये जूम इन करो फर्स्ट रो पे, फर्स्ट कॉलम, क्योंकि जो आपने वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वाली चीज बताई थी ना, एवरीथिंग इज बीइंग प्रिवेंटेड एंड मेंटेनेंस उसकी उसके हिसाब से हो रही है, सबका दिया हुआ है। मिल्क ऑनलाइन मतलब जो पे करना होता है ये भी ये पे करती है, स्कूल फीस, टॉप रूफ सबसे ऊपर वाली छत धुलवानी है, इन्वर्टर की बैटरी ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, वाटर टैंक क्लीन होना है, फायर एक्सटिंग्विशर ये वो सब कुछ, चक्की से आटा आना है, देखो ये भी लिखा हुआ है, आना है, ये करती है। हाँ ये करती है सर, ये ना मंगवाया देखो 10 तारीख को, पेस्टिसाइड वाले ने आना है, स्टोर क्लीनिंग होनी है, एक्स वाई जेड सारे काम जितने भी काम है, गैस भी जो आती है ये लाती है सर, वो उसका उसका बिल ये भरती है, गैस तो पाइपलाइन लगी हुई है। Very nice. Door oil होनी है, cleaning. Main gate की greasing. Main gate की greasing. Monthly होनी है, और कब होनी है? Second Tuesday को होनी है. Very nice. Door oil कब होना है? ये होना है. Water drainage, CCTV camera. CCTV camera की recording check. कि recording ठीक हो रही है ना नहीं हो रही है. सारे phone handsets, EPBX, everything. मतलब कि ये सब कुछ माली को salary भी ये देती है. और ये रहे उसके वेंडर की डिटेल्स, सारे के सारे जो भी वेंडर हमारे घर पे काम करते हैं, ये मेरी ये का ही नाम है गीता की, गीता उसी की अकाउंटेबिलिटी है सारी की सारी, और शी मेक श्योर, वो मम्मी से बात करती है, वाइफ से बात करती है, और सारा काम करा के रखती है। अगर पूरे घर में ये पता है कि अगर कुछ भी खराब हो जाए, सचिन को बोलोगे नहीं होगा ठीक राइट, ये भूल जाएगा या फिर डिले होगा, ये गीता को फोन करके बोल दो, सेम डे हो जाएगा। So that is where she is playing right now, and I am very happy that वो मेरे को घर पे निकम्मा समझते हैं, I am very happy, right? मेरी जान छूट गई है उससे। माली का दिखा दो, गाड़ी साफ करने का दिखा दो। माली का दिखा रहा हूँ, माली के लिए मेरे both my parents love gardening, my wife also has some you know, कभी कभार उसको भी पसंद आने लग जाता है gardening। जब कोई पौधा मर जाता था, ये महंगा पौधा लेके आते थे, पौधा मर जाता था, सब उसके ऊपर चढ़ जाते थे, पौधा मर गया। उसके बाद सर माली बीच में छुट्टी पे चला जाता था, ये आया नहीं है, इसने पानी नहीं दिया, एक्स वाई जेड चीजें होती थी, तो उसका फॉर्म बना दिया एक, भाई तेरे को ये फॉर्म भरना है, टाइम स्टैम्प उसके फोन में डाउनलोड कर दिया, उसका ईमेल आईडी नहीं था गूगल में, अगर ईमेल आईडी नहीं होता तो गूगल बनाने नहीं देता, तो ईमेल आईडी बनाया उसका, और उसके फॉर्म एक्टिवेट करा दिया। उसके बाद ना उसने ये देखो 2 अगस्त 2020 से फॉर्म भरना चालू कर दिया, और ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर उसको ये बता दिया कि तेरे को ना अब ये पानी देना है और फोटो खींचनी है। दिखा जरा, दिखा रहा हूं, ये उसका नाम है चंदमौर्य, ये देखो उसने पानी दिया और 2 अगस्त को 9:04:56 पे फोटो खींची कि उसकी कि वो आया है घर पे और उसने दिया है यहाँ पे पानी। उसके बाद सिमिलरली सेकंड लेवल की, उसके बाद अगले वाले लेवल की। अब जिस दिन वो फोटो नहीं खींचेगा उस दिन उसकी अटेंडेंस नहीं मांगूंगी। बीच में अभी उसको कोरोना हो गया था, घर चला गया था, अब वापस आ गया, ज्वाइन कर लिया। ये देखो मैं लास्ट दिखाता हूँ, लास्ट कब का है, 18 कल का है सर, 9:48 पे, अगर मैं एक फोटो कोई खोल लूं, ये रही, ये उसने फोटो खींची है कल 9:45 पे सुबह संडे को, तो उसने पानी दिया होगा और ये फोटो खींची है, तो इसी से ही उसको सैलरी मिलती है। सिमिलरली क्लीनर भी है जो, वो भी उसको भी सैलरी ऐसे ही मिलती है घर पे, जितने दिन की अटेंडेंस होगी उतने दिन का पैसे मिलेंगे। वेरी नाइस, वो भी दिखा दो जरा जो किचन चलता है आपका। फूड सर, फूड प्लान पहले जब मैंने शुरू किया था ना, तब घर पे थोड़ा सा लोगों को लगता था क्या कर रहा है यार ये, कि मेरे को नहीं अच्छा लगता था। मैं शाम को गया हूँ, सबसे पहले मम्मी पूछती थी खाने में क्या खाएगा, राइट? अब वो
आई एग्री कि उनका प्यार है वो, बट मेरे को लगता था यार बैठने तो दो मुझे एक बार. तो फिर बाद में जब समझ में आया कि नहीं दैट इज व्हाट शी लाइक्स, तो उनके साथ बैठ के मैंने फूड प्लान बनाना शुरू किया. मैंने फूड ऑप्शंस बना दिए सारे, सबसे बात करके कि होते क्या क्या हैं, क्योंकि जब नहीं तो सोच रहे होते हैं तो याद नहीं आता कि खाने में खाना क्या है, ब्रेकफास्ट में क्या खा सकते हैं, लंच में क्या खा सकते हैं, डिनर में क्या खा सकते हैं, स्नैक्स में क्या खा सकते हैं, मूवी नाइट अगर कर रहे हैं घर पे तो क्या खा सकते हैं, वाइल्ड फिट अगर डाइट है तो क्या कर सकते हैं. फिर एक एक के साथ बैठ के पापा मम्मी के साथ, दादी, मेरी दादी भी है, शी इज 96 ईयर ओल्ड, शी लिव्स विद मी ओनली, आई एम वेरी लकी. वाओ. एंड उनसे भी पूछ के कि ब्रेकफास्ट में क्या अच्छा लगता है उनको, लंच में क्या अच्छा लगता है, डिनर में क्या अच्छा लगता है. ये देखो लास्ट अपडेट हुआ था 7 फरवरी 2021 को, ये हर 3 महीने में अपडेट करता हूँ मैं, मगर बेस्ट पार्ट इज लोगों की चॉइसेस चेंज नहीं होती. तो इसके बिहाफ पे फिर फूड प्लान बनता है, ये रहा फूड प्लान. ये अभी मैंने जान के इस एक हफ्ते का बनाया हुआ है, क्योंकि हमारी एक डाइट चल रही है, वो डाइट हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, तो इसलिए एक हफ्ते का बनाया. नहीं तो मैं ये मैंने साइड कर रखा है, नहीं तो मैं पूरे पूरे 14 दिन का ही बना रहा था. सो इसमें सर ब्रेकफास्ट आ जाता है, लंच आ जाता है, डिनर आ जाता है, और क्या क्या चीज़ें खानी है सबसे पूछ के अप्रूव हो जाता है. जैसे मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ, आज ये मैं बना के ना अपनी फैमिली में डाल देता हूँ, मम्मी और मैं बनाते हैं, और फिर मैं फैमिली में डाल देता हूँ. ये मैंने डाला हुआ है, जैसे आज सुबह डाला हुआ था तो पापा ने बोल दिया ऐड चिकन करी ऑन सैटरडे और संडे, तो मैंने ऐड कर दी. और जो भी मैं डिशेस हम चेंज करते हैं, कुछ 2-3 चीजें डिशेस चेंज करते हैं, उसकी यूट्यूब रेसिपीज भी डाल देते हैं, कि ये रेटाटोला या फिर कोई भी चीज, पावर पैक्ड सैलेड या कढ़ाई मशरूम जो हमारे घर पे नहीं आता है किसी को, इसमें हमने डाल दिया है, मम्मी और मैंने बात करके उनकी रेसिपीज डाल देते हैं, इसको देख के बना लेना. सो दैट इज हाउ इट इज रनिंग, दैट इज हाउ किचन इज रनिंग. इसी के हिसाब से ही किचन की प्लानिंग होती है, एंड इट इज वेरी स्मूथ. और खाना बना, खाना लेकर आना, सामान लाना सर इसी के, इन्हीं को ही सब्जियां देख के. पहले 3 दिन था, क्योंकि अब कोविड चल रहा है तो इसलिए अब 7 डेज है कि 7 दिन का सामान आता है. पहले 3 दिन का सामान आता था, मेड टिक करती है चीजें और उसको भेजती है ड्राइवर को. एंड एक मिनट में बताता हूँ कैसे जाता है, वो भी दिखा देता हूँ. अभी मैंने कुछ चेंजेस कराए थे इसलिए लास्ट मैसेज मैंने भी भेजा था. ये देखो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है कि आईने से आनी थी कुछ सब्जी, जैसे सेलरी, एवोकाडो, केल लीव्स, ये वो सारी चीजें, ककड़ी, क्यूकम्बर, कितना कितना लाना है, ये ऐसे ऐसे जाता है और फिर आ जाता है सारा सामान. तो कोई सामान खत्म नहीं होता. एंड द बेस्ट पार्ट इज सामान खराब नहीं होता. सामान खराब होता है तो मेड की जिम्मेदारी है. So that is how it is going on, sir. And जो मैं पहले आपसे शेयर कर रहा था, ये देखो, this is. तो एक सेकंड. तो ये सारा का सारा एक लच, एक मिनट इसको छोड़ो. तो ये सारा का सारा आप ऑटो पायलट पे हो गया, सब अपने आप चल रहा है ये. सर अपने आप चल रहा है, मजेदार चल रहा है, और मतलब कि टेंशन फ्री चल रहा है. मतलब जो मेरे को टाइम नहीं मिलता था ना, आई हैव सो मच ऑफ टाइम. ये मैंने फोटो इसलिए दिखा रहा हूँ कि this is my daughters, both the daughters with the at Delhi Horse Show. और कल का मतलब कि जो ये टाइम बच रहा है इसका कर क्या रहे हैं इसका. आई थिंक जितना भी टाइम बच रहा है, एक तो आगे ग्रो कर रहे हैं और ऊपर से अपनी जिंदगी जी रहे हैं. आज अगर कोई मेरे को ये बोले ना कि आपने बोला था कि तुम 15 दिन के लिए घूमने जा सकते हो, 1 महीने के लिए घूमने जा सकते हो, अगर आज खड़े होके, तो अगर मेरे को आज बोले कोई भी कि कोविड ठीक हो गया है और कोई तू मेरे साथ 1 महीने के लिए घूमने चल, सो आई कैन पैक माई बैग टुनाइट बीवी से अप्रूवल के बाद, एंड आई कैन गो टुमारो मॉर्निंग या आज रात की फ्लाइट से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 0%. ये देखो सर, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये दिस वॉज नॉट पॉसिबल एवर. ये मैं हूँ, ये कल की पिक्चर है, और इन ड्यूरिंग योर कोर्स ओनली ये भी हुआ है. सो जो पैशन थे, गोवा में घर ले लिया सर, एंड आई ऑलरेडी हैव अ हाउस इन गोवा नाउ, दो इट इज नॉट दैट बिग, बट 2 बेडरूम. और हिल्स में जो दूसरी चीज थी कि होना चाहिए ऐसा, उसमें जमीन ले लिया, उसमें भी घर बना देंगे जल्दी.
वाओ रियली नाइस। तो एक 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 पहाड़ पे हो गया और एक सी साइड पे हो गया। हाँ, सी साइड पे सर, सी साइड तो ऑन है, आपको जब मर्जी जाना हो घर है और हिल्स में जल्दी जल्दी बन जाए। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और ये एक माली वाली है, ये जो माली वाली हैं, ये सब हाई, ये हाई सैलरी वाले हैं कि नॉर्मल हैं? सर, माली माली की टोटल सैलरी 6,000 रुपए, वो पार्ट टाइम आता है, 6,000 रुपए लेता है हमसे, और उसको उसको कुछ नहीं पढ़ना आता सर, और उसका फॉर्म हिंदी में बना हुआ है, इंग्लिश में नहीं है उसका फॉर्म, आता नहीं आता उसको पढ़ना, बट वो उसको ये बता रखा है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ऐसे ऐसे करना है तुम्हें, वो करता है, वो सब लोग करते हैं। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और सेल्स और प्रॉफिट्स का आप क्या कह रहे हो कि हाउस का कैसे क्या हाल चाल है, डेट का, कैश का, पैसे का, उसका क्या हो रहा है? डेट मैनेज होना शुरू हो गया है, मैंने इन्वेस्टमेंट्स, अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी हैं। आप पहले हम सिर्फ टर्नओवर बेस्ड फोकस करते थे, अब विद टर्नओवर प्रॉफिट्स भी कर रहे हैं एंड मॉनिटर कर रहे हैं उनको। कल भी मेरी आपसे बात हुई थी, आपने पॉइंट आउट किया, मैंने अपने काम में लिखा हुआ है आज वो। दूसरी चीज़ है कि बिजनेस बिजनेस तो बढ़ना ही है सर, मतलब मैं ये बोलूंगा कि ड्यूरिंग कोविड इट वेंट डाउन, बट हमें टाइम मिल गया है सारा काम करने के लिए, पूरी हमारी पूरी इंडस्ट्री का नीचे गया, बट मार्च वॉज लाइक अमेजिंग अमेजिंग, एंड माई कॉन्ट्रीब्यूशन इन मार्च आई थिंक वॉज 20% मोर देन वॉट आई एम नॉर्मली डूइंग राइट नाउ। सो उसमें दे हैव प्रोड्यूस्ड अमेजिंग रिजल्ट्स। बिजनेस को हमने दो और वर्टिकल्स में डिवाइड कर दिया ताकि दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो, दोनों के वर्टिकल हेड्स बना दिए, दोनों काम कर रहे हैं, एंड सारे हफ्ते की मीटिंग सेट हैं। सेल्स आर बाउंड टू ग्रो इस साल, अगर आप, एक मिनट मैं आपको दिखाऊं जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये हमने अभी अपने एनुअल बिजनेस प्लान फाइनल करे हैं, लेट मी शो यू दैट। और उसके बाद वेबसाइट, लास्ट एक बार वेबसाइट और दिखा देना। हाँ, क्योंकि ना देखने से लगता है ये क्या हमने प्लान किया सर। वी आर ऑलरेडी एट वी आर डूइंग अराउंड 225 करोड़ राइट नाउ ऑफ बिजनेस, एंड इससे ऊपर, ये देखो ये मेरा अभी इस साल का एनुअल बिजनेस प्लान है सारे वर्टिकल्स का। सो ये हमने दो, मैंने आपको बोला वर्टिकल में डिवाइड कर दिया, टाइम वन, टाइम मेरी कंपनी का नाम है तो टाइम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, टाइम वन टाइम टू। 2020-21 में कितना बिजनेस किया, 2021-22 में कितना करेंगे, परसेंटेज ग्रोथ क्या ले रहे हैं। तो एक्चुअली में आप अगर परसेंटेज ग्रोथ देखो तो 58%, 153%, 900%, 41%, 69%, 31%, 60%, 96%, 133%, और ये टोटल टाइम का है दोनों को मिला के, तो 62%, 134%, 150%, 70%, दीज आर द ग्रोथ दैट वी हैव साइंड ऑफ विद द टीम। टीम वेरी नाइस, हैज साइंड ऑफ के ये तो करना ही है, 100% ये टीम से भी अलाइन करके किया है। अलाइंड 100%, अलाइनमेंट के बिना तो अब कुछ है ही नहीं सर, अलाइनमेंट के बिना तो करते ही नहीं कुछ भी। वेरी नाइस जी। और आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, एंड हाउ इज द डेट सिचुएशन? सर डेट सिचुएशन आई एम टेलिंग यू, डेटा इज किंग राइट। हम बैंक HDFC के साथ बैंकिंग करता था मैं, एंड आज मेरा ना HDFC के साथ, एक तो हमने सारी CC खत्म कर दी, देयर इज नो CC, वेरी लिटिल CC इज लेफ्ट राइट। वी हैव अ CC ऑफ अराउंड 2 crore राइट नाउ, एंड वो भी बहुत जल्दी मैं इसको खत्म कर दूंगा। पहले कितनी थी सीसी? सर पहले तो जब शुरुआत थी तब तो बहुत ज्यादा थी, बट अभी सीसी 2 crore है, हमने बाकी लिमिट्स में कन्वर्ट कर दिया जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है, एंड वो भी डेटा के बेसिस पे ना। मैंने जब टाटा इससे बात करी HDFC से कि आप हमसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, आप हमें पैसे टाइम पे नहीं देते, आप ये नहीं करते वो नहीं करते, तो आप ये ट्रेडिंग के काम में हो, इतने बड़े बड़े आप इक्विपमेंट बेचते हो और उसमें आप सिर्फ 2 crore की सीसी पे काम कर रहे हो और ट्रेडिंग कर रहे हो। यस, कर रहे हैं सर, अब ट्रेड लिमिट पे काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही स्मॉल कॉस्ट पे आती है। लेट्स सी योर डैशबोर्ड और लेट्स सी योर, ये आपका इंटरनल वेबसाइट है? इंटरनल वेबसाइट है हमारी, टाइम की वेबसाइट, ये आपकी दुनिया के लिए वेबसाइट नहीं है। इसमें आपने ऊपर अगर देखा जाए, टाइम है, डैशबोर्ड है, FMS है, फॉर्म है, चेकलिस्ट है, डिपार्टमेंट है, ये सब कुछ सर सिर्फ इंटरनल है, इंटरनल लोगों के लिए है, बाहर का कोई लेना देना नहीं है।
लोग अपने अपना लॉगिन डिटेल्स इसमें डालते हैं, उनका डैशबोर्ड खुलता है, सिर्फ उनको सिर्फ अपना काम दिखता है और किसी का नहीं देख सकते हो। दिखाओ। ये सारे लोग हैं जो कि अभी काम कर रहे हैं सिस्टम पे। तो पीसी, पहले मैं पीसी का दिखा देता हूँ, राइट, क्योंकि पीसी सबसे ज्यादा परेशान रहती है। जैसे ही उसके 8-10-20 एफएमएस हो जाते हैं तो उसको लगता है सर इतना सारा काम हो गया, इतनी सारी शीट्स में जाना है, इतना सारा, इतनी सारी चीजें देखनी है। अभी सर हमारे टोटल 72 एफएमएस हैं, 11 ऑफिसेज हैं, 2 पीसी काम कर रही है। तो 2 पीसी ये सब संभाल लेती है? हाँ, नहीं संभाल पाती थी, हमारे पास 4 पीसी का काम था, बट क्योंकि सिस्टम इन प्लेस आ गए अब वो 4 की जगह 2 हो गई हैं और 2 पीसी अब देख रही हैं पूरा। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, क्योंकि अभी ये सवाल आने वाला है सबके लिए। एक मिनट स्क्रीन शेयर बंद करो, एक सेकंड के लिए। तो मेरे को एक सवाल बताओ कि अभी सबके सब को मैंने बोला, अभी बोलने वाला हूं या बोल चुका हूं कि पीसी हायर करो, डीएमई हायर करो, सीआरएम होनी चाहिए, और अभी सब पैसा बचाएंगे और सब जैसे आपने बोला, जैसे आपने किया शुरू में, आपने एक पीसी रखी पूरी कंपनी के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर उसके बाद 4 पीसी रखी, डीएमई नहीं रखेंगे, पीसी नहीं रखेंगे। तो मुझे आज बताओ कि ये जो एमडीओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफिस, जिसमें ईए, पीसी, डीएमई और सीआरएम आती है, ये कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस को चलाने के लिए? आपका ये पूरा सिस्टम कौन चला रहा है, या थोड़ा सा आप सबको एक बार जरा इसका इस एक बार सब। अभी ना मेरी ईए की तबीयत खराब हो गई थी तो उसने एक दिन की छुट्टी ली, राइट, तबीयत खराब थी उसकी, और मैंने उसको ये बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे को वर्क फ्रॉम होम दूंगा, तेरे को फुल सैलरी मिलेगी, तू ना तबीयत खराब है पर तू घर से ही कर लेगा, राइट। अगर और भी कोई होता तो मैं उसको बोल देता चल तू आराम कर ले, बट इसको मैंने बोला यार तू घर से काम कर ले, बिकॉज इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है। मेरे को काम ऐसे लगने लग गए हैं सर कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये वाले काम, राइट। मैं आगे, ये मेरे जो मैं अभी काम कर रहा हूँ ये मेरी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा प्रॉफिट आगे बढ़ाएंगे, ये कस्टमर में वैल्यू ऐड करेंगे, तो द आंसर इज नो। तो वो वाले काम बिल्कुल बंद हो गए हैं। और आपने जो एमडीओ वाली बात करी है ना सर, आई कैन गिव यू एनॉर्मस एग्जांपल्स। मेरे अकाउंट्स में सीनियर अकाउंटेंट छोड़ के चला गया, एक 10,000 रुपए की लड़की आई, मेरे फाइनेंस और अकाउंट्स ने बोला सर ये जिसको अकाउंट्स का एक्सपीरियंस ही नहीं है वो कैसे अकाउंट्स में काम कर सकता है। उनको बोला कि सारे फॉलो अप और कोऑर्डिनेशन वाले काम लिख लो सारे लोगों के, देखो कितना कितना टाइम लगता है इसमें। किसी ने बोला 2 घंटे, किसी ने बोला 3 घंटे, किसी ने बोला कुछ भी। उन सबके काम इकट्ठे करके एक 10,000 की लड़की को दे दिए, एंड अब वो इतनी एफिशिएंटली काम कर रही है और वो अकाउंट्स में हो गई, नाउ शी इज पार्ट ऑफ अकाउंट्स। पीसी, कोई सिस्टम नहीं चल सकता अगर पीसी नहीं है, नो सिस्टम कैन रन इफ पीसी इज नॉट देयर। ये सारे सिस्टम आपके पीसी चला रही है सर? पीसी तो हर सिस्टम की इलेक्ट्रिसिटी है, जितना मर्जी बड़ा टीवी लगा लूं अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो टीवी कैसे चलेगा। सो पीसी तो इज मस्ट, राइट। मैंने आपको अभी पेमेंट कलेक्शन वाला नहीं दिखाया, पेमेंट कलेक्शन वाले में बता देता हूँ, सीआरएम इज वर्किंग ऑन दैट। हमारी हम बहुत सारे, क्योंकि बड़ी मशीन है, फाइनेंस होती है, बहुत सारी फाइनेंस कंपनीज फाइनेंस करती हैं, कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम थी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया, कभी ये डॉक्यूमेंट मिसिंग हो गया, कभी कोरियर नहीं पहुंचा। अभी तो कोरियर भी ट्रैक होता है कि कोरियर यहाँ से कब निकला, वहां पे कब पहुंचा, उन्होंने कब रिसीव किया, उनका केस कब प्रोसेस हुआ, हमारी पेमेंट कब आई, कितना डिले, कौन सा फाइनेंसर कितना डिले करता है पेमेंट। आई कैन टेल यू एग्जैक्टली ऑन द डे, अभी सामने शीट खोल के, कि ये फाइनेंसर 14 दिन में पेमेंट देता है, ये फाइनेंसर 11 दिन में पेमेंट देता है। तो हम अब बिजनेस ही नहीं करते उन फाइनेंसर्स के साथ जो ज्यादा डिले करते हैं पेमेंट्स में। सो अगर मैं 225 करोड़ को डिवाइड भी कर लूँ, ऑलमोस्ट 18-19-20 करोड़ रुपए आएगा महीने का। अगर मैं 1 दिन का इंटरेस्ट, 2 दिन का इंटरेस्ट, 5 दिन का इंटरेस्ट भी बचाता हूँ, मेरे पास पेमेंट्स जल्दी आ जाती हैं, तो इट इज़ अ ह्यूज सेविंग। एंड जब आपका कोर्स शुरू किया था और ये डेटा शुरू किया था, हमारी पेमेंट आती थी 28 दिन में एवरेज, राइट, जब क्योंकि मॉनिटर डेटा तो दिखाना शुरू कर देता है। आज पेमेंट आती है 16 दिन में एवरेज, एंड हमारा टारगेट है 8 दिन। वाओ, 28 दिन से टारगेट है 8 दिन। 28 दिन से आप 16 दिन ले आए और अब 8 दिन पे जा रहे हो। हाँ, क्योंकि उतना ही पैसा अवेलेबल हो जाएगा बिजनेस करने के लिए। आप ये कह रहे हो ना लिमिट कैसे कम हो रही है, अभी हमने बात करी इन्वेंट्री कैसे कम हो रही है,
अगर मेरे पास पैसा फास्ट रोटेट होके आने लग जाएगा, मैं उतना ही फास्ट इन्वेंट्री रोटेट करने लग जाऊंगा, कम इन्वेंट्री के साथ काम होगा, कम इंटरेस्ट पे काम होगा, ऐसे ही प्रॉफिट बढ़ेगा. सो दैट इज दैट अगेन हैज अ ह्यूज ह्यूज सेविंग जो ऑलरेडी हो चुकी है और आगे होगी. डीएमई का क्या रोल है? डीएमई सर अब मेरे पास दो है रोल. डीएमई इज जैसे अगर मैं इस सिस्टम ये जो सिस्टम बनाता सर वैसे ना तो किस कैसे बनाता, मैं किसी को हायर करता, किसी को बोलता, मेरे को तो आते नहीं थे और ना ही मेरे को पता था कुछ भी. मेरे को गूगल शीट्स में सिर्फ ये पता था गूगल शीट्स होती हैं, मेरे को गूगल फॉर्म के बारे में कुछ नहीं पता था, कोई इंटीग्रेशन के बारे में नहीं पता था, कुछ नहीं पता था. तो अगर मैं तो बैठ के बना नहीं सकता था. जब आप कोर्स ज्वाइन किए थे तो आपको गूगल शीट्स नहीं आती थी सर? मेरे को सिर्फ पता था गूगल शीट्स के बारे में, राइट, मैंने देखी हुई थी गूगल शीट्स, मगर उस पर काम कैसे करते हैं इफेक्टिवली, उसमें समरी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं पता मेरे को. गूगल फॉर्म ही नहीं पता था क्या होता है. अब तो मतलब पूरी कंपनी उसी पे चल रही है. और ये डीएमई सिस्टम बनाए, डीएमई अगर इनहाउस नहीं होगा तो स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी. एक चीज सर मैंने आपके कोर्स में जो सीखी थी ना, मतलब आई वुड रिकमेंड टू एवरीवन, मेरे को पता है आप लोग नहीं मानोगे क्योंकि मैं भी नहीं माना था, राइट, कि जब राहुल सर ये बोलते हैं ना कि ये बंदा रख लो, क्योंकि उसको ज्वाइन करने में भी टाइम लगता है, ढूंढते हैं 8-10 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगी जाते हैं ज्वाइन करते करते, जब सर बोलते हैं ना कि ज्वाइन करवा लो, आंख बंद करके ज्वाइन करवा लो, क्योंकि थोड़े दिनों बाद तो रो के ज्वाइन करवाना ही पड़ेगा. ऐसा हमारे कोर्स में एक भी बंदा नहीं है जिसने सिस्टम बना लियो बिना डीएमई के, एक भी बंदा नहीं है जिसने सिस्टम चला लियो बिना पीसी के, एक भी बंदा नहीं है जिसने इफेक्टिवली काम करना शुरू कर दिया हो बिना ईए के. तो जब कोई है ही नहीं जिन जिनको, तो अगर रिजल्ट प्रोड्यूस करना ही है, क्यों मेरे को, आई एम श्योर कि आप सब लोगों को करना है, बिकॉज दैट्स व्हाई यू आर हियर, तो ये मस्ट है, देयर इज सोचना भी मत इसके बारे में. तो सबको ये लगता है कि तनख्वाह देनी पड़ेगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्चे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है धंधा, कुछ भी नहीं है. मतलब कि मेरा एमडीओ मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए का एमडीओ होगा, दोनों की ये मिला के बात कर रहा हूँ, विशाल की भी और मेरी भी और सारे लोग मिला के बात कर रहा हूँ, तो 1.25 लाख का होगा ज्यादा से ज्यादा. 1.25 लाख रुपए इंटू 12 कितना हो गया, 14 लाख, 15 लाख रुपए. अरे सर दो दो शीट्स ऐसी हैं जो कि इससे ज्यादा पैसे बचाएंगे, और जो एक्स्ट्रा बिजनेस होगा उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पैसे बचाने की बात कर रहा हूँ. आप मेरे से अभी अभी यहाँ पे बैठे हुए मेरे से मेरे बिजनेस के बारे में कोई भी डेटा मांग लो, मेरे को पूरी टीम में किसी से भी, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो एडमिन हो, कोई भी चेकलिस्ट हो, कोई भी जीएसटी की रिटर्न हो, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे पास यहाँ पे सिस्टम में अवेलेबल है. मतलब आप फोन खोल के ये सब देख सकते हो? फोन और लैपटॉप खोल के, कुछ मैक्सिमम चीजें फोन में, कुछ चीजें लैपटॉप में. सर यही मेरा ऑफिस है, यही दोनों मेरे ऑफिस हैं, ये मैं उठा के अपना बैग लेके कहीं मर्जी दुनिया में चला जाऊं मेरा ऑफिस रन करेगा. कुरियर ट्रैकिंग दिखा दो जरा, कुरियर ट्रैकिंग कर रहे हो, मेरे को ध्यान में समझ में नहीं आ रहा, कुरियर कैसे ट्रैक करते हो आप? ये बोल रहे हो कि आपका कुरियर कौन सा आया कौन सा गया, वो भी ट्रैक्ड है? सर बिल्कुल ट्रैक्ड है, उसमें जाता है, टाटा को भी जो चिट्ठी जाती है वो भी जाता है, कोई भी क्लेम हमने रेज किया है वो भी जाता है, उन्होंने हमसे कोई भी खर्चा कराया छोटा सा छोटा मिसलेनियस खर्चा वो भी जाता है, सब कुछ जाता है, सब कुछ ट्रैक होता है. ओवरडोज क्या हो गई? लोग कह रहे ओवरडोज हो गई. आप जब बैठते थे और कोई शेयरिंग के लिए आता था तो आपको लगता था कि डर लग गया, ओवरडोज हो गई, हम कैसे बनाएंगे? लगता था क्या? लगता था, मगर मैं सबको ये बोलना चाहता हूं कि ये ना, ये दिस सिस्टम इज, आई थिंक एवरीवन कैन मेक दिस सिस्टम, एवरीवन. ऐसा है ही नहीं इस सिस्टम में जो कि कोई बना नहीं सकता. ऐसे देखने में बड़ा लगता है, डॉन्टिंग लगता है, क्योंकि थोड़ा सा अभी हमने डिसइंटीग्रेटेड डिस्कस किया इधर से उधर से, बट लॉजिक जैसे जैसे समझ में आते जाते हैं ये सब कुछ अपने आप बनता जाता है. पूरा सिस्टम सिर्फ डेलीगेशन शीट, एफएमएस, चेकलिस्ट और एमआईएस पे चलता है. एमआईएस पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एमआईएस का भी डैशबोर्ड बना हुआ है सर. आज एक मिनट छोड़ दो वो, बट आई कर बस ये तीन चार, ये रहा, ये क्लेम्स गए हैं, चिट्ठियां गई हैं टाटा को, टैली में एंट्री हो गई उसकी, सेंड बिल टू एचओ दिल्ली बैंगलोर, यहाँ पे भी गई टाटा एटैची में,
कंफर्म रिसीविंग ऑफ कोरियर फ्रॉम एचओ, मतलब कि ये एचओ में पहुंच गया है। पहले तो पता ही नहीं होता था मैं कौन सी डेस्क पे है, इनवॉइसेस जाते थे, महीनों महीनों पेमेंट नहीं होती थी हमारी। अब ये देखो फॉलो अप, अब तो फॉलो अप पेमेंट ऑफ रिसीट ऑफ सेम फ्रॉम टाटा एडेज, ये कब शुरू किया था हमने, 27/5/2020 को शुरू किया था। मैं आपको इसका रिसेंट वाला दिखाता हूँ, इसका शायद वर्जन 2 बन गया है मेरे ख्याल से, एक मिनट, ये शीट तो खाली है। हाँ ये वाली शीट खाली है मेरे ख्याल से ना, वर्जन 2 डैशबोर्ड जब बने ना तो उन्होंने वर्जन 2 बना दिया होगा, मैं तो खुद ही बहुत टाइम के बाद खोला है क्योंकि अब तो सिर्फ जो रिपोर्ट्स हैं वो देख लेते हैं। तो अभी आपको ये शीट खोल के देखने भी नहीं पड़ती कोई भी नहीं सर, ये जो शीट मैं आपके साथ सच बता रहा हूँ, मैं आपके साथ ये एफएमएस शीट्स के अंदर बहुत दिनों के बाद खुद खोल रहा हूँ, मैं सिर्फ वो डैशबोर्ड देखता हूँ और रिपोर्ट्स देखता हूँ जो मेल में आती है। तो बस आप MIS देख लेते हो, बाकी सारा काम अपने आप हो जाता है। एंड मेल पे जो ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट्स आती हैं वो देखता हूँ। मेल बहुत सारी ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट्स आती हैं, स्टॉक स्टेटस तो आप पहले वाली बात कर रहे थे हम, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको, कोई भी मतलब कि सेल्स डे प्लान, सेल्स वाले क्या कर रहे हैं, ये सारी सेल्स टीम का कि क्या उनका प्लान है, विजिट्स कहाँ पे जाना है, क्लोजर का क्या प्लान कर रहे हैं, कमिटमेंट क्या कर रहे हैं लीड्स की आज। ये ऑटो जनरेटेड मेल है जो आज सुबह आई हुई है 9:45 पे। तो सेल्स वाले भी पूरे अब ये कंट्रोल में आगे, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ। ये देखो सर, ये पूरी कंपनी में मतलब के अराउंड 200 प्लस लोग काम कर रहे हैं पूरी कंपनी में। अगर किसी का ग्रीवेंस है राइट, चाहे वो कोई भी है, 192 ग्रीवेंसेस अभी तक आ चुके हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट के आए हैं, एक ग्रीवेंस ओपन है अभी सर्विस डिपार्टमेंट का, बस हाँ वन ग्रीवेंस। और हर एक डिपार्टमेंट में किस किस बंदे ने रिसॉल्व किए हैं प्रॉब्लम्स, ये जो सारी 192 आई थी, एडमिन ने कितनी करी, डायरेक्टर ने कितनी करी, डूअर ने कितनी करी, एचओडी ने कितनी करी। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो इसको बंद कर देते हैं, आई थिंक काफी हो गया। ओके, एक चीज सर, मेरे को ऐसा लगता है बस के मैं पिछली बार भी आपको बोला था, मैं दोबारा से इसलिए बोल रहा हूँ कि आई ऑलवेज फील दिस के मैं 2013 में आपके पास आया था, एंड अगर उस टाइम पे मैंने सच में ज्वाइन कर लिया होता, ये तो अब 2020 में ज्वाइन किया राइट, तो इतनी मेहनत कर ली, बीच में सारी चीजें हो गई, अगर उस टाइम पे ज्वाइन कर लिया होता तो ये कंपनी आई डोंट नो कहाँ पे होती, मतलब कि आई कैन नॉट इवन इमेजिन, इट्स बीन 7-8 years, तो 7-8 years, नेक्स्ट 7-8 years तो अब मैं अगर अपने सोचता हूँ तो पता नहीं मैं इस कंपनी का एक दो वर्टिकल तो बेच चुका हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट जी, बहुत बढ़िया। एंड जो बिगेस्ट चीज मिल रही है ना सर, कि माय टाइम विद माय फैमिली एंड माय टाइम विद माय किड्स राइट इज अमेजिंग। संडे इज किड्स डे राइट, आई डोंट डू एनीथिंग, आई गो टू माय इन-लॉज हाउस, वो मेरे यहां लोकली रहते हैं, एवरी फ्राइडे आई हैव डिनर विद देम, एवरी संडे डिनर आई हैव विद माय पेरेंट्स, एवरी सैटरडे नाइट आई स्पेंड विद माय वाइफ, एवरी वेनेसडे नाइट आई स्पेंड विद माय फ्रेंड्स। मतलब ये ना, ये सैक्रोसेंट है एकदम बिल्कुल, एंड आई थिंक आई कैन नॉट आस्क फॉर मोर, सो थैंक यू फॉर गिविंग एवरीथिंग। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, रियली नाइस।